कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, सबको म्यूट रखना है, अनम्यूट कोई नहीं करेंगे। मैं जब बोलूंगा जो आपको अनम्यूट करना है तब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे, बट वन बाय वन। हैंड रेज करने का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, हैंड रेज कर सकते हो। कुछ डाउट रहा तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, पर डायरेक्टली अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमेशा बाकी लोग जिनका क्वेरी नहीं है म्यूट रखेंगे, हैंड रेज करेंगे, मैं नाम पुकारूंगा तब आपको अनम्यूट करना है। जो भी लेक्चर होगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, जो अपने भगत टेक्नो के ऑफिशियल ऐप है वहां पे आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। सर्टिफिकेट वगैरह हमारे वेबसाइट में मिलेगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। हमारा यदि आप वेबसाइट देखेंगे तो tendersolution.co.in का वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट है tendersolution.co.in। इनके आगे इन फर्दर आफ्टर ट्रेनिंग आपको कोई भी डाउट्स रहा तो नीचे सबका नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे आके आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। कोई भी है यहाँ पे सभी टीम हमारे मेंबर्स का सबका नंबर दिया हुआ है, आप इसमें से किसी को भी कॉन्टैक्ट अपना कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर्टिफिकेट आपको नेक्स्ट बैच तक दिखता रहेगा, नेक्स्ट बैच जैसे चालू होगा आपके यहाँ से उनके सर्टिफिकेट निकल जाए, आपके सर्टिफिकेट निकल जाएंगे और नया बैच का सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो तब तक आप डाउनलोड यहाँ से कर पाएंगे। नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, जितने भी नोट्स है वो सब आपको व्हाट्सएप, जो आपके पर्सनल व्हाट्सएप है वहां पे आपको दत्ता सर भेज देंगे, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो ये हमारे तरफ से आफ्टर ट्रेनिंग आपको चीजें मिलेगी। यदि शेड्यूल की बात करेंगे, हम लोगों का जो ट्रेनिंग है ये 6 या 7 डेज, 6 दिन तो हम बताते हैं पर 7 डेज तक भी लेक्चर चल सकता है। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा रहेगा? आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन का रहेगा, मतलब जेम के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होता है जेम का पोर्टल और जेम के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, जेम में काम कैसे करते हैं, उनका बेसिक जो चीजें है नॉलेज है वो हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो बायर के रिलेवेंट हो या सेलर के रिलेवेंट हो, आपके जो भी डाउट्स है आज के डेट में आप अपना क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको मतलब बहुत अंदर तक तो नहीं जाएंगे, पर यदि आपको जेम के बारे में थोड़ा पता है तो आपको उसके हिसाब से हम गाइडलाइंस जरूर प्रोवाइड कर देंगे। ये आज का लेक्चर का सेशन रहेगा। कल से हम लोग प्रॉपर लेक्चर पे जाएंगे। यदि कल के लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे तो कल के लेक्चर्स में हमारा रहेगा जेम का रजिस्ट्रेशन, जो हम यहाँ पे एज ए सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सेलर में, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल अपडेट, बाद में आपको जो प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है ITR हो, उद्यम हो, GST हो, एड्रेस हो, DOPP जो नंबर्स है, स्टार्टअप इंडिया, पैन कार्ड का नंबर, ये सभी जो डिटेल्स है उसका रजिस्ट्रेशन, आपको आफ्टर अकाउंट आधार आपका जो मोबाइल नंबर है वो कैसे चेंज करेंगे, ईमेल आईडी कैसे चेंज करेंगे या सेकेंडरी यूजर क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, और कॉजन मनी, जब आप जेम पे अकाउंट बनाते हैं तो कॉजन मनी पे करना पड़ता है, वो कॉजन मनी कैसे पे करेंगे और किनको कॉजन मनी में एग्जम्पशन मिलता है, मतलब किनको किनको ये कॉजन मनी भरना नहीं पड़ता है और क्या क्या चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है और क्या चीजें ऑप्शनल है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबको लगता है कि जेम पे रजिस्ट्रेशन करना एक बड़ा टफ चीज है और बहुत सारी चीजें लगेगा, तो ये सब चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये होगा कल का लेक्चर्स में, साथ में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को पेयर करने का प्रोसेस देखेंगे सेकेंड डे के लेक्चर में। थर्ड डे के लेक्चर में पेयर हो गया, पेयर के बाद प्रोडक्ट को हमारे प्रोफाइल में लिस्टिंग करने के 3 तरीके हैं, पेयर करना, क्लोन करना और नया प्रोडक्ट। तो पेयर फर्स्ट डे के लेक्चर में कवर होगा, क्लोन और नया प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग करना ये हमारा आगे के लेक्चर में कवर करेंगे थर्ड डे के लेक्चर में। साथ में सर्विस का पार्ट देखेंगे, जो सर्विस में हम लोग कैसे काम करते हैं, सर्विस में कैटलॉग कैसे अपलोड करते हैं, ये हमारा थर्ड डे के लेक्चर में रहेगा। साथ में रीसेलर पैनल, OEM पैनल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बीड, बीड टेंडर सर्च करना, बीड पढ़ना, बीड के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, ताकि हम कोई भी टेंडर में डिस्क्वालीफाई ना कर पाए इजीली, हमें
उसके लिए कैस तरीके का डॉक्यूमेंट्स, हमें क्या क्या किस फॉर्मेट क्या होता है वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये हो गया टेंडर में। फिर टेंडर हम लोग भर के देखेंगे अलग अलग टेंडर। टेंडर भरना मतलब बीओक्यू बिड, कस्टम बिड, प्रोडक्ट बिड, बंच बिड, बिड टू आरए, सर्विस का कस्टम बिड, ये सभी टाइप के टेंडर हम लोग भर के देखेंगे। आगे के यदि आपको कोई टेंडर मिला है तो वो किस रेट में मिला, किसको मिला, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे और बाद में हम लोग बायर में एंट्री मारेंगे। बायर में L1 परचेज जो 5 लाख के अंदर है, डायरेक्ट परचेज जो 25,000 की लिमिट है, आपको आपका ऑर्डर कैसे मिले, हम लोग ज्यादातर बायर में हम उसी चीज पे फोकस करेंगे कि आपको आपके रेट में आपका ऑर्डर कैसा मिले, चाहे उसके लिए आपको प्रोडक्ट में L1 करना पड़े, डायरेक्ट परचेज करना पड़े या बिड में मैनेज करना पड़े। तो बिड अपलोड कैसे करें ताकि लोगों को टेंडर, कम लोग टेंडर भर पाए या टेंडर लोगों को पता ही ना चले, नोटिफिकेशन ना भेज पाए। टेंडर में हम ATC में कैसे टर्म्स डालेंगे, क्या डालेंगे और उसके लिए हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग बिड में बताएंगे बिड बनाते वक्त। और साथ में हमारा रहेगा लास्ट का टॉपिक, जो यदि आपको कोई बायर से पहचान है उनका ID बना के देना है, बायर का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो प्राइमरी यूजर हो या सेकेंडरी यूजर हो, वो हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स है और भी, जैसे PBP जैसे हम लोग बोलते हैं, पुश बटन प्रोक्यूरमेंट लॉगिन करने के बाद आपको मिलता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन, सेलर का डिटेल्स कैसे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है JM का या रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। या फिर यदि किसी ने कंप्लेन किया कोई बायर ने या सेलर का, तो रिस्पॉन्स कैसे देना है, या आप किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जिसको इंसिडेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। आपका बायर का प्रोफाइल, बायर का डैशबोर्ड कैसे देखोगे, सेलर का डैशबोर्ड, ये छोटे छोटे टॉपिक्स और भी थोड़े रहेंगे जो हम लोग कवर करेंगे। इनवॉइस बनाना, आप जब कोई ऑर्डर मिलता है तो उसका इनवॉइस कैसे जनरेट करते हो और बायर के ID में उसका CRC कैसे जनरेट करते हैं, PRC एंड CRC, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ये हमारा पूरा बायर एंड सेलर का टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ाएंगे आपको आज के 6 और 7 डेज के लेक्चर, जो भी हो, 6 दिन हो या 7 डेज का लेक्चर हो, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि 6 दिन में खत्म हो जाएगा तो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, चाहे वो 6 दिन जाने दो, 7 दिन जाने दो या 8 दिन जाने दीजिए, हमारा लेक्चर 10-10 दिन तक भी गया है, डिपेंड आपके क्वेरी के ऊपर। जब तक आपके लेक्चर खत्म नहीं होता, आपके क्वेरी खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमारा लेक्चर चलता रहेगा। जनरली 6 to 7 डेज, 7 डेज में हमारा खत्म हो जाता है, पर कभी कभी हम लोग आगे एक्सटेंड भी करते हैं। इसके साथ साथ आपको डाउट्स के क्लास रहेंगे, जैसे ये लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद हर महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर एक बार डाउट का लेक्चर लेते हैं, तब हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके कोई डाउट्स है या कुछ JM पे अपडेट हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप लोग लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। ये 1 डे का सेशन होगा, सेशन से 2 दिन पहले आपको इंटीमेट आ जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आपको पता चल जाएगा डाउट का लेक्चर है। तो जो भी JM पे अपडेट हुए हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप वहां पर भी अपना क्लियर कर सकते हैं, ये हमारे तरफ से आपको फ्री सपोर्ट रहेगा आगे का। चलिए, कोई डाउट्स है, किसी को इस यहां तक में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभिषेक सर प्लीज बताइए। अभिषेक सर, हेलो। हाँ जी सर, जैसे कि अभी आपने इतना कुछ बोला, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ ऊपर से गई, जैसे कि पेयर क्लोन क्या होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से आगे जब आप प्रैक्टिकल करवाओगे तब हमें समझ आएगी। हाँ अभी सर, अभी मैंने सिर्फ सिलेबस को एक्सप्लेन किया, मतलब क्या क्या पढ़ाएंगे, यदि आपको थोड़ा बेसिक चीजें पता है तो आपको ये चीजें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यदि बिल्कुल नहीं पता है तो टेंशन मत लो, हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे लेक्चर। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा, जिनको बेसिक पता नहीं है आज का लेक्चर, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि आज हम लोग सभी लोगों को एक साथ जुड़ाने का काम करते हैं, जिनको बहुत पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता और जिनको थोड़ा पता है, उन सब लोग एक साथ मिल जाओ, ताकि आगे जब लेक्चर हमारा चालू हो तब जिनको ज्यादा पता है वो हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आज उनका क्वेरी हम लोग आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे। और JM क्या है, ये चीज आप लोगों को, बेसिक लोगों को जानना बहुत जरूरी है।
इसलिए वो सब चीजें आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। ललित सर बोलिए प्लीज। सर मैं ये बोल रहा था थोड़ा सा आगे के लिए है, मैं पूछ रहा था जैसे हमारे बायर अगर सेट है, हम लोग एक बायर से बात है, बायर हमने मैनेज किया हुआ है, तो आगे आगे हमें पता लगेगा ना मैं कैसे कैसे उनसे परचे, मतलब yes, हमें उनसे yes, कैसे ऑर्डर। डेफिनेटली आपका ऑर्डर आपको मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है सर, आपके रेट में कोई भी ऑर्डर, सर वो अपना रेट देते हैं है, अगर वो कहते हैं आप डालो जो रेट डालना वो, हाँ वही बोल रहा हूँ, आपके रेट में आपका ऑर्डर मिलेगा। कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तीन तरीका है परचेज करने का, डायरेक्ट परचेज जिसकी लिमिट 25,000 है, L1 परचेज जिसकी लिमिट 5,00,000 है, और बिड जिसकी लिमिट नो लिमिट है। हम आपको हमारा दिखाऊंगा भी प्रोफाइल, जो हम लोगों ने बिड 5-5 करोड़ तक के बिड हमने मैनेज किए, और विद जीरो कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। कभी कभी एक आधा आ जाता है तो उसको निकालने का प्रोसेस भी बताऊ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ये इतना तो मैं श्योर, जब मुझे यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आपसे ज्यादा मुझे पता है, ये आप समझ लो जो आप किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। थैंक यू सर, तो इसलिए इसके बारे में टेंशन मत लो। आगे के लेक्चर में हम लोग पहले देखो, मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं, मैनेज कब कर पाओगे जब उस चीज के बारे में आपको पता है। आपको कैसे मैनेज कर दिया, मोबाइल दे दिया, बोलूंगा इसको किसी का नंबर हैक कर दो या कोई मोबाइल हैक कर दो, कब हम हैक कर पाओगे मोबाइल, जब मोबाइल के बारे में आपको पूरा पता है, उसका टेक्नोलॉजी पता है, उसके सॉफ्टवेयर पता है, तब हैक कर पाओगे। इसीलिए पहले प्रॉपर सीखो, डायरेक्ट हैक करने पे मत जाओ। यदि प्रॉपर सीखोगे तो इजीली आप उसको ट्रैक कर पाओगे और इजीली मैनेज कर पाओगे। यदि आपके पास नया कोई चैलेंज आया तो भी आप मेरे परमिशन की भी, मतलब मुझे आपको हेल्प लेने की भी जरूरत ना पड़े, विदाउट मेरे हेल्प आप खुद उसको टैकल कर पाओ। कब कर पाओगे, जब उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। इसलिए प्रॉपर सीखो, मैनेज खुद कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। डायरेक्ट मैनेज पे मत जाओ, डायरेक्ट मैनेज पे जाओगे तो आपके सर के ऊपर से ये लेक्चर चला जाएगा। ये मैं अभी भी ये बता रहा हूं, जो लोग डायरेक्ट सिर्फ मैनेज सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके सर के ऊपर से लेक्चर जाने वाला है। सिर्फ मैनेज के लिए आए हो, और यदि प्रॉपर सीख के मैनेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका क्लास में वेलकम है। मैं गारंटी बोलता हूं, आपके लेक्चर खत्म होने के बाद आप कोई भी उठा सकते हो। थैंक यू सर। महीपाल सर हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि आप जो लिमिट बोल रहे हो 25,000 और 5,00,000, वो पर ऑर्डर लिमिट होती है या महीने का लिमिट होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है? एक ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर का लिमिट होगा सर। मतलब उसको 50,000 के कोई आइटम्स की रिक्वायरमेंट है तो वो 25,000 के दो ऑर्डर कर सकता है? कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। पर जनरली मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑर्डर कभी भी स्प्लिट नहीं होता। जब ऑर्डर आता है तो उसके पहले उनका सेंशन होके आता है। मान लो मुझे LED लाइट खरीदना है 1,000 रुपये के, एक लाइट 50 खरीदने हैं 50,000 का, तो कोई बायर 25-25 करके उसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने 50 का सेंशन एक साथ लिया हुआ रहता है। कर सकता है वो, पर यदि आगे इनका कुछ प्रॉब्लम आया, ऑडिट आया, तो उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, जो तुमने 50 क्यों किया, ऐसा 25-25 स्प्लिट क्यों किया। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या नहीं करोगे ताकि बायर को तकलीफ ना हो। देखो, आप तो काम करके निकल जाओगे, यदि आपको आगे तक जाना है, लंबे टाइम तक बिजनेस करना है, तो बायर को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। ऐसा नहीं है बायर को पता नहीं है तो उसका बिल्कुल पूरा प्रॉफिट मत उठाओ, बायर का भी देखना आपकी जिम्मेदारी है, बायर को भी संभालना आपकी जिम्मेदारी। आप यदि बायर को संभालोगे तो आपको बायर हमेशा संभालेगा। इसके वजह से क्या नहीं करना है यह भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं। लोग करते हैं, आप क्या हो तो कर सकते हो इसके बाद भी, पर मैं आपको उसके लिए पहले अलर्ट कर दूंगा, ये नहीं करोगे। जैसे कि सर ने अभी बताया, स्प्लिट कर सकते हैं, कर सकते हैं डेफिनेटली, पर यह रूल्स के अगेंस्ट है, इससे बायर को तकलीफ हो सकता है। ठीक है खान सर, खान सर
आंसर प्लीज। जी सर बोलिए सर। सर जो है आपने डायरेक्ट परचेस के बारे में और एलेवन परचेस के बारे में, बिड परचेस के बारे में आपने बताया, एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए। मैं आगे बता दूंगा सर सभी चीजें, अभी तो बस हम लोग चालू किए, धीरे धीरे समझो आपको सब होगा, मैं इसको डिटेल्स में और थोड़ा थोड़ा करके जाता जाऊंगा। ओके सर। प्रसाद सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपने अभी पूरा कोर्स का कंटेंट डिफाइन किया कि कैसे क्या हम लोगों को हैंडी सपोर्ट मिलने वाला है। मैं जानना चाह रहा था कि कोर्स फिनिश होने के बाद कभी कोई प्रोडक्ट की एलवन कर रहा हूं मैं या किसी का लिंक बना रहा हूं, उसमें कोई इशू आ रहा है तो क्या हैंड सपोर्ट मिल सकता है क्या हमें बाद में? देखो सर, हम यहाँ पे देखो, कोई काम पे आपको मदद कब करूंगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई एरर जनरेट हुआ, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको हेल्प मिलेगा, दैट इज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर आपको मेरे से कोई काम करा के लेना है तो वो पेड सर्विस रहेगा। जैसे कि आपको L1 बनाना तो मैंने सिखा दिया है, आप L1 बना लेते हो, पर कोई प्रोडक्ट L1 बन नहीं रहा है तो मेरे से बनाओगे तो वो काम करवाना हो गया। नो सर, मैं बना रहा हूँ लेकिन उसमें कोई एरर आ रहा हो तो आप कुछ एरर आ रहा है तो उसका सॉर्ट आउट, वो एरर का स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे, क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। अभी आप बोलोगे सर बन ही नहीं रहा है, आप बना के दे दो तो वो पेड सर्विस। ओके सर, दोनों में डिफरेंस है, काम करवा के चाहिए तो पेड, कोई एरर आ रहा है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, वो आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगा। ठीक है, ओके सर। खान सर प्लीज। खान सर। सर माय नेम इज रविंद्र। सॉरी खान सर प्लीज, खान सर को मैंने आवाज दिया। खान सर अनम्यूट कीजिए। खान सर, आजाद खान। सर आईफोन डिवाइस से कोई ज्वाइन किए हैं प्लीज एडमिशन है, हमसे ज्वाइन कीजिए। आईफोन, हाँ खान सर और आईफोन, आईफोन आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करके देखो। रवि सर प्लीज। रवि सर। सर नमस्कार, मैं सर कह रहा था कि जो ऑथराइजेशन का जो इशू है, जो मान किसी प्रोजेक्शन का डिमांड आता है, फिर ऑथराइजेशन सर कहाँ से हमको मिलेगा, क्या करना होगा इसके लिए? देखो सर, मान लीजिए आप ऑथराइजेशन जैसे कैसा है, मान लीजिए मैं समझता हूँ, चलो आपको एक मोबाइल का यही मतलब, एक आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है लैपटॉप का ही, आपको एक HP का, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक HP का शॉप खोलना है डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको HP कंपनी से ऑथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा ना, या डीलर बोलते हो? बोलते हैं ना इसको, डीलर बोलते हैं ना, डीलरशिप लेना पड़ता है ना कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए, वही लेते हैं ना हम लोग, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं ना। विदाउट लाइसेंस का आप खोल सकते हो क्या? तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आपको कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो आप क्या करोगे, या डीलरशिप चाहिए तो क्या करोगे? कंपनी में बात करेंगे सर। कंपनी में बात करोगे, वहां पे आपको बात करके आप वहां से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा, अपना प्रोफाइल सबमिट करो। सेम यहां पर भी वही चीज है, ऑथराइजेशन नंबर मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना, ये ऑनलाइन, ये फिजिकल दुकान नहीं है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो जो करोगे, ऑथराइजेशन नंबर के लिए वही करना है। क्लियर, समझ में आ गया सर? ओके सर। और बोलिए, कोई डाउट सर किसी को? चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। महिपाल सर बोलिए। हेलो। हाँ सर, एक मतलब जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, आपको लगता है कि जेम से अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है? मुझे तो डेफिनेटली लगता है, बहुत लगता है। फिलहाल तो आपके लिए प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, अभी मैंने एक छोटा सा ऑर्डर किया। हाँ, तो एक बंदे से हेल्प लिया, उसने 2% लिया मेरे, बराबर 2% चार्ज चल रहा है फिलहाल। हाँ, 2% लिया उसने मुझसे। हाँ, और जो भी अभी मेन स्ट्रीम में काम करने उतर रहे उन लोगों को जेम बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर है ना। उनको दूसरे लोगों से ही काम करना रहता है। हाँ, पर अगर हमारा जो सरकारी बाबू है मतलब ऑफिसर है, उनसे कॉन्टेक्ट ना हो, फिर भी हम इससे कमा सकते हैं क्या? कमा सकते हो, पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और मेहनत ज्यादा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब कॉन्टेक्ट तो बनाना ही है, कॉन्टेक्ट बनाओगे तो कम मेहनत में
इजीली फंड बना सकते, मतलब पैसा बनेगा और ज्यादा प्रॉफिट पे काम कर पाओगे। ओके थैंक यू, बस इतना ही। नहीं तो क्या होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आप कंपटीशन में आ जाओगे, इसमें विदाउट कंपटीशन आपका चलेगा, बस इंटरप्शन इतना ही है। शिव प्रसाद सर, ये जेम पे जो Q1 और Q2 कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड सेलर होते हैं उनको रजिस्टर्ड कौन करता है, जेम करता है या कंपनी करती है, ऑथराइज कौन करता है? जेम से पहले उनको रजिस्टर होना पड़ता है। मान लीजिए प्रसाद सर, आप प्रिंट, आपके पास मान लीजिए कोई भी चीज कंपनी एलईडी लाइट ही बनाते हो, मान लीजिए आपके पास एलईडी लाइट का आप मैन्युफैक्चरर हो, आप बनाते हो प्रसाद एलईडी लाइट बोल के, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास एलईडी लाइट आप बनाते हो, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, आप तो मैन्युफैक्चरर हो, पर ये जेम को कैसे पता चलेगा जो आप मैन्युफैक्चरर हो? तो जेम पे ओएम बनना पड़ता है, उसको ओएम पैनल लेना बोलते हैं। जब आप जेम पे ओएम पैनल लोगे, जेम को बताओगे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, जेम को पूरा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो फिर जेम के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाओगे ओएम पैनल के लिए, फिर आपका प्रोडक्ट रहेगा और फिर आप ऑथराइजेशन देना लोगों को चालू कर दोगे। वो ऑथराइजेशन की भी कोई लिमिट है क्या रीसेलर? कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लोगों को दे सकते हो, 1000, 1 करोड़, कोई लिमिट नहीं है, जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को दे सकते हो। ओके अभिषेक सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, जैसे सर ने पहले ही पूछा है एक ने कि जैसे मेन स्ट्रीम में लोगों को जो कम चलाने आ रहा है, क्या हम उनके साथ रह के भी कर सकते हैं काम? मतलब सर ने पूछा ना कि जो मेन स्ट्रीम जो जिन जो चला रहे हैं, जिनके बिजनेस है जो जेम चला रहे हैं, उनको थोड़ा कम आता है चलाने। बराबर है ना सर, आपके लिए इसीलिए तो हम लोग बायर का पोर्टल का ट्रेनिंग रखते हैं। देखो बायर यदि आपको पता होगा तो आपको बायर को यदि आप हेल्प करोगे या बायर का काम मैनेज करोगे तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। जी हाँ जी। मान लो दो लोग हैं, आमिर शेख सर है और सिंह सर है और शर्मा सर है, तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में तीनों की पहचान है। शर्मा सर को जेम का पूरा काम आता है, बायर का। जी हाँ जी। और सिंह सर और शेख साहब का रिलेशन अच्छा है, शर्मा सर से भी अच्छा है मान लो। जी जी। तो बायर का यदि काम शर्मा सर करके दे रहे हैं तो ऑर्डर ज्यादा किसको मिलेगा, शर्मा सर को या शेख सर या सिंह सर? ऑफ कोर्स शर्मा को। आपको शर्मा को, क्योंकि आपको बायर का काम, उनका काम इजी बना रहे हो, उनको भी नहीं पाता है तो शर्मा आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड है ना बायर। अच्छा, मतलब सर जब हमें आएगा तो पूरी सेटिंग करने के लिए हमें हमारे पास बायर की आईडी भी पड़ी होगी? सब पड़ी होगी सर, वही तो है, जितना बायर में आप कॉन्फिडेंस लाओगे, बायर का काम जितने अच्छे सीखोगे, आपके पास काम ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। ओके ओके ओके। आज के डेट में वही लोगों की कमी है, बायर को आज के डेट में 90% बायर को बायर का काम नहीं आता है, सेलर ही उसका काम देख रहा है। तो सर जब हम L1 में कंपेयर करते हैं तो हमें 3 आइडिया रखनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है, रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो तो आप सिखाओगे ना जब। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। अमित सर। अमित जैन। खान सर सर L1 में कितने आईडी रखते हैं? L1 एक ही आईडी से चल जाता है जनरली, कभी कभी 3 आईडी की जरूरत पड़ती है, कभी कभी, जनरली 1 आईडी से हो जाता है, कब पड़ती है किसके लिए क्या रहता है वो हम लोग आगे बात करेंगे आपको। ओके सर। खान सर बोलिए ना, आप काफी बार हैंड रेज कर रहे हैं और फिर बाद में छोड़ दे, पूछ ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं पूछ रहे। खान सर। सर हो गया, डाउट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए तो फिर थोड़ा जेम को समझते हैं, क्या है जेम बताओ, आपको क्या लगता है जेम क्या है? एकदम इजी लैंग्वेज में तो सबसे पहला जेम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जेम का एक फुल फॉर्म है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ई मार्केट, दैट मीन्स ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्लियरली पता है, एक मार्केट है, ई ऑनलाइन मार्केट है जहां पे खरीदना और बेचना होगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा ऑनलाइन,
यदि हम लोग इसके साथ कंपेयर करें कोई भी वेबसाइट का, तो कैसा कंपेयर करें जिसमें हम लोग यूज टू है? तो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, अमेजन को ले लो, amazon.in, तो शायद हम यही वेबसाइट को यहां पे नजर रख सकते हैं, अमेजन जैसी वेबसाइट। यहां पे यदि मुझे कुछ खरीदना है तो मतलब मैं क्या हूं, यहां पे बायर हूं, है ना, यहां पे मैं क्या हूं, बायर हूं। मुझे बोट का एयर डॉप्स खरीदना है ना, एयरबर्ड्स बोलते हैं, तो ये हमें खरीदना है। तो हमें ये प्रोडक्ट पसंद आया, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बाय नाउ करेंगे और खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, सेम यहां पर ही है। यहाँ पे मुझे कुछ खरीदना है, एलईडी लाइट खरीदना है, बायर को खरीदना है, एलईडी लाइट बोल के सर्च करेगा बायर, और उसको यहाँ पे उसका कैटेगरी आएगा, क्या कैटेगरी है, तो उनको एलईडी में एलईडी लाइट चाहिए, तो उसका कैटेगरी ये है, देखो आ गया। अब यहाँ पे क्या कर, कौन सा उसको प्रोडक्ट पसंद आया, उनको लगा ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट दे आएंगे, ओके, और यहाँ पे वो खरीद परचेज कर लेंगे, बायर भी। तो सेम यदि आप देखेंगे तो यही वेबसाइट इसके अमेजन की तरह ही एक फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसकी तरह ही ये एक भी एक जेम का पोर्टल का वेबसाइट है, ई कॉमर्स की तरह। प्रोडक्ट पसंद आया आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते, पर इसकी लिमिट कितनी है, 25,000। इसकी लिमिट कितना दिया हुआ है, 25,000। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अमेजन और फ्लिपकार्ट में इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। मुझे पसंद आया, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट खरीद लेंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट परचेस। पर यहाँ पे भी डायरेक्ट परचेस है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक लिमिट है, लिमिट कितना है इसका, 25,000। इसकी लिमिट कितनी है, 25,000, जो हम लोग डायरेक्ट परचेस के रूप में जानते हैं। क्लियर है यहां तक में, डायरेक्ट परचेज मतलब समझ में आ गया सबको? अमित सर बोलिए, अमित सर, अभिषेक शर्मा, अभिषेक बीच में ना म्यूट नहीं कर रहे ना, आवाज आ रही, क्या बोले सर, बाकी ना कुछ लोग म्यूट नहीं कर रहे, म्यूट नहीं कर रहे। रोहन सर फिर से एक बार समझा सकेंगे, आवाज थोड़ी सी कट गई। यस यस, देखो हम लोग जैसे कि जेम का पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे, जेम का पोर्टल एक जनरल कैसे खरीदने का तरीका बता रहा हूँ मैं, पहले क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, बायर कैसे खरीदेगा। देखो जब आपको खरीदने का तरीका पता होगा तो आप बेचने का तरीका इजीली देख सकते हो, जो मैं बेचूंगा कैसे, मतलब ये बायर की आईडी है। अभी हम लोग किसी का आईडी नहीं खोला है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं जो बायर को सामान खरीदता कैसा है। आपको, आप अमेजन पे बायर हो, अमेजन के पोर्टल पे आप बायर हो ना, कुछ खरीद रहे हो, तो आपको क्या खरीदना है अमेजन से बताओ, कोई भी चीज बताओ जो आपको अमेजन से खरीदना है, कुछ भी लगा लो, ये बोट की यही लगा लो, एलईडी लाइट ही ले लेते हैं, चलो है ना, हम लोग वहां पे एलईडी लाइट देते हैं तो यहाँ पर भी एलईडी लाइट ले लेता हूँ, एलईडी लाइट खरीदना है, तो एलईडी लाइट बोल के सर्च कर दिया, आ गया एलईडी लाइट। अब मुझे कोई भी एलईडी लाइट पसंद आ गया, जो मुझे ऐसा एलईडी लाइट चाहिए, ये एलईडी लाइट मुझे लगा परफेक्ट है, 200 वाट का है, एलईडी लाइट है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको बाय नाउ करेंगे, हम खरीद लेंगे। स्पेसिफिकेशन देखना है तो नीचे हम लोग देख सकते हैं। सेम यदि बायर, जेम पे कोई बायर यदि कोई चीज खरीदना चाहता है तो वो भी ऐसा ही सर्च करेगा, और उनको यदि कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उसके ऊपर क्लिक करेगा और वो खरीद लेगा। यहां पर भी आपको ऐसे लाइट दिख रहे, कोई भी उनको खरीदना है, उनको लगा कि मुझे ये लाइट परफेक्ट लग रहा है, तो ये बड़ा का रेट दिया हुआ है, यहाँ पे जाएगा और परचेज कर लेगा, जैसे यहाँ पे था अमेजन की वेबसाइट में।
इसके डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है, इसका डिटेल्स भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 30 वाट का है, लाइट है, 3 साल का वारंटी है ना, ऐसा यहाँ पे इसके डिटेल्स भी लिखे हुए, पिक्चर्स वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे जो कैसा दिखेगा एलईडी लाइट, कौन सा कंपनी का है, एनए मतलब अनब्रांडेड है, कोई ब्रांड इसका डिफाइन नहीं। सर मेरी क्वेरी है, हाँ एक मिनट, तो ये है देखो, पर इसमें अमेजन और इसमें डिफरेंस क्या है ये एक बार आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें परचेज करने का कोई लिमिट नहीं है, मुझे यही 625 रुपए वाला प्रोडक्ट 1000 भी खरीद सकता हूं, 1,00,000 भी खरीद सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। यहां पे लिमिट है, यहां पे बायर इस तरीके से सिर्फ 25,000 अमाउंट तक का ही खरीद सकता है, उसके ऊपर खरीद नहीं सकता, ये हो गया एक लिमिट। दूसरा लिमिट क्या है, दूसरा लिमिट हमें यह बताता है कि यहां पे जो भी लाइट्स आप खरीद रहे हो यहां पे हम भी खरीद, कोई भी खरीद सकता है, जैसे यहां पे प्रसाद सर भी खरीद सकता है, शेख सर भी, शेख साहब भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूं, पर यहां से जेम के पोर्टल से हम लोग खरीद नहीं सकते। खरीद कौन सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी, बाकी के लोग सिर्फ सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद नहीं सकते। अमेजन में ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बट जेम के वेबसाइट में हम कोई भी चीज खरीद नहीं सकते, सिर्फ बेच सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर जेम में मुझे खरीदना क्यों सिखा रहे हो, खरीदना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले बायर किस तरीके से खरीद सकता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली लिस्टिंग करोगे तो आपका खरीदने का, आपका प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ सकता है, इसलिए सिखा रहा हूं। और आपको जेम का चीजें भी सिखा रहा हूं, जेम में होता कैसा है। महिपाल सर बोलिए, सर महिपाल सर, हाँ सर आवाज आ रही है, आ रही है सर, मेरे दो क्वेश्चन है अभी। हाँ ये अगर मेरे पास 6 डिफरेंट आइटम्स के ऑर्डर है, एक आइटम समझ लो 500 के, बाकी सारे 1,000 की है, तो 500 मेरा बिल हो रहा है, हाँ। तो 6 आइटम्स के मुझे 6 ऑर्डर जनरेट करने पड़ेंगे, 6 ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं उसको बल्क भी कर सकता हूँ, हाँ बीड है, टेंडर निकालना पड़ेगा उसके लिए, टेंडर या बीड में पार्टिसिपेट करना, डायरेक्ट परचेज में पहले था ये ऑप्शन, 1 साल हो गया, 1 साल से बंद कर दिया ये, जो आप बंच डायरेक्ट परचेज में बंच नहीं कर सकते। ओके, और दूसरा क्वेश्चन था सर, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मेडिकल और सर्जिकल आइटम्स के लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट या कुछ चाहिए? डिपेंड अपॉन कैटेगरी, ये कैटेगरी बताता है अपने को क्या चाहिए, अभी इस कैटेगरी में लिखा रहता है जिसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखो इसमें लिखा रहेगा ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको क्यों चाहिए क्या, तो लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे ISO नंबर वगैरह लिखा रहेगा कुछ चाहिए तो, या फूड लाइसेंस है तो फूड लाइसेंस वगैरह यहाँ पे लिखा है कुछ, अभी देखो एलईडी लाइट को बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सेम चीज यदि हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे मुझे पता है कॉपियर पेपर, बहुत सारे को ये कॉपियर पेपर में बहुत प्रॉब्लम आता है आज के डेट में, अभी कॉपियर पेपर ले लो, फूड लाइसेंस के लिए फूड प्रोडक्ट के लिए फूड लाइसेंस लगता है, अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करो और वो इस कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट को आपको ओपन करना है, अभी इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको क्या लगेगा। सर जेम का सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा, देखो लिखा है इसमें BIS नंबर लगेगा, तो आपको यदि अभी कॉपियर पेपर का प्रोडक्ट बेचना है तो BIS नंबर होना चाहिए, लिखा है ना, और BIS मार्क CML नंबर, यही BIS का नंबर है, ये नंबर नहीं हुआ तो आप कॉपियर प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। तो डिपेंड अपॉन कैटेगरी, कैटेगरी में आपको बता देगा क्या चाहिए, फूड प्रोडक्ट है कोई भी चीज,
तो फूड लाइसेंस नंबर मांगता है ऐसे मेडिकल आइटम में। जनरली मैंने देखा है मेडिकल आइटम में ऐसा कुछ मांगते नहीं है छोटे मोटे आइटम में। मैं तो अभी काफी मेडिकल आइटम के प्रोडक्ट लिए, जैसे देखो मेरे पास में अभी तो पूरे मेडिकल आइटम के ही थे मार्च में आइटम मेरे पास, दिखाता हूँ मैं तो उसके लिए तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लगा। दिखाता हूँ कोई भी ले लो, तो पूरा मेडिकल आइटम ही कोई उठा लो। चलो देखो ये देखो डिस्पोजल सिरिंज कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी लो सब मेडिकल आइटम ही है आपने। ये आपको पता होगा जिनको मेडिकल लाइन पे होगा, ये क्या है कैनबुलास, ये पूरे मेडिकल आइटम। अब इतने को बेचने के लिए मुझे किसी में मिले डिजिटल एक्सरे फ्यूजी, ये क्या क्या है बैग कौन सा है, अब मेडिकल वाले को पता होगा ये सब। देखो तो ये सबको अभी तक कुछ भी मुझे नहीं लगा, इतने आइटम्स को ग्लव्स डिस्पोजल सिरिंज तो कुछ नहीं लगा। तो ऐसा डिपेंड, जनरली ज्यादातर में नहीं लगता पर कुछ चीजों में लग सकता है। तो आगे आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको पता चल जाएगा। देखो आपको हम यहाँ पे हर प्रोडक्ट का तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते, तो आपको तरीका समझना है जो किसके लिए क्या क्या लगता है। तो प्रोडक्ट को खोलना है, कोई भी उस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट खोलना है, इसके डिटेल्स देख लेना है क्या लग सकता है, जो लगेगा इसमें डिटेल दिखाए वो आपको अरेंज करना पड़ेगा, बस उसमें। अमित सर बोलिए। अमित सर सर हाँ सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट से अपन कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हैं और मंगा सकते हैं कोई प्रोडक्ट, इसी तरीके से जेम पोर्टल पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मान के चलो साउथ इंडिया का हुआ और एमपी साइड से किसी को ऑर्डर आया तो डायरेक्टली साउथ की गवर्नमेंट उसको लेती है क्या, ऑल ओवर इंडिया से किसी को ऑर्डर आ सकता है जेम पोर्टल पे की मतलब स्टेट लेवल पे या फिर संभाग लेवल पे काम करता है ये। बराबर है सर, मुझे एक चीज आप बताओ यहाँ पे, एक चीज एज एग्जांपल, आप अमेजन से कुछ खरीदते हो खरीदा होगा ना अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट से जी, खरीदते वक्त आप देखते हो कि डिलीवरी कहाँ से आ रही है, आप कहाँ से हो, आपका लोकेशन कहाँ है, कहाँ से हो आप? नहीं सर, जब डिलीवरी होता है तब उसके बाद नहीं आप कहाँ से हो पूछ रहा हूँ। एमपी ग्वालियर। एमपी से, मान लीजिए आपने लेटेस्ट में आपको एक पेन ड्राइव चाहिए जी, एज एग्जांपल मध्य प्रदेश से, एमपी से हो बराबर ना जी, आपको एक पेन ड्राइव चाहिए जी जी, अमेजन पे आपको दिख रहा है जी, मान लो अमेजन पे दिख भी रहा है जो एक पेन ड्राइव आपको, सेम पेन ड्राइव आपको, वो पेन ड्राइव मिल रहा है एमपी में ही कोई दे रहा है, आपके घर के बाजू में ही कोई अमेजन पे ऑनलाइन आपको बेच रहा है और उसका प्राइस वो बता रहा है 600 रुपया, यही पेन ड्राइव कोई जम्मू वाला बेच रहा है ऑनलाइन, वो भी आपको पेन ड्राइव दे रहा है वही वाला पेन ड्राइव, पर वो आपको 400 में दे रहा है, आप किससे लोगे? सर जिसका प्राइस लो है। प्राइस लो है, जब आप प्राइस लो देख के प्रोडक्ट परचेस करते हो तो ये तो गवर्नमेंट है, ये तो आपको खरीदने ही नहीं देगा ना जी, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है जो सबसे कम रेट में दे रहा है उससे ही खरीदना है, चाहे वो कोई भी लोकेशन से डिलीवरी कर रहा हो, इससे अपने को मतलब नहीं है। क्लियर है? ओके सर जी जी, क्लियर सर, थैंक यू। अभिषेक सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो सर, जैसे आपने बोला कि जम्मू का, जैसे मैं जम्मू में हूँ, अगर मेरे को किसी बायर ने मेरे से प्रोडक्ट लिया मध्य प्रदेश में, तो मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा फिर, वो तो मेरा किराया पड़ जाएगा। सर रेट तो आपने डाला है ना ऑनलाइन। हाँ जी, तो फिर आप प्रॉफिट सोच के ही डालोगे ना सर, तो सर फिर मेरा प्रोडक्ट दिखेगा उस बंदे को, मध्य प्रदेश वाले बंदे को दिखेगा मेरा प्रोडक्ट? सर आप जब प्रोडक्ट बेचते हो तो आप लोकेशन डिलीवरी करते हो, मान लो आप देखो कि बहुत टाइम पे अमेजन वगैरह में वेबसाइट में आपको प्रोडक्ट दिख रहा होता है, पर आप जब खरीदने जाते हो तो बोलता है ये आपके लोकेशन पे डिलीवरी नहीं कर रहा है। ओके ओके, बताता है ना, क्योंकि जो सेलर है वो आपके यहाँ पे नहीं बेच रहा है वो प्रोडक्ट,
मतलब हम टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे करेंगे, हाँ, करें। जो आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। ओके ओके, आपका प्रोडक्ट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कित कहाँ, तो वही के बायर को दिखेगा, दूसरा जगह का बायर यदि खरीदना चाहा तो उनको नहीं दिखेगा आपका प्रोडक्ट। ओके ओके, पारस सर, पारस सर, हेलो, हाँ बोलिए सर, एक्चुअली एक सर आपको नहीं बोला मैंने, पारस सर को बोला, पारस चौहान, पंकज सर, पंकज सर, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, मैं अभी इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर है, तो मैं क्या दूसरा बिड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जैसे कि? हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा कोई सर, आप जितने भी जेम पे आइटम है सब बेच सकते हो, जिसका आप मैन्युफैक्चरर हो उसका एज ए ओएम बेचोगे, जिसका आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो एज ए रीसेलर बेचोगे, इतना ही है। आप जिसका मैन्युफैक्चरर हो एज ए बताओगे कि मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, एज ए ओएम बेचूंगा। ओके, और यदि आप एलईडी लाइट नहीं बनाते हो, आप एलईडी लाइट बेचना चाहते हो, तो आप किसी से खरीद के बेचोगे ना, तो आप रीसेलर होगे, पर आप बेच सकते हो सब कुछ जेम पे, जो भी चीज है सब कुछ दे सकते हो। सुरेश सर, या नहीं क्या नाम है इसका, सरनस, सरानश, कुकेल्टी, कुकेल्टी ना, सर आपका एक बार नाम भी बताओ मुझे, शायद मुझे सारांश को बोले थी, सारांश को, सारांश, अच्छा सारांश सर, बोलिए सर, मुझे ये पूछना था कि सर ये BIS नंबर होता क्या है और मिलता कहाँ से सर? सर BIS नंबर जो लोग OEM होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको एक कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक नंबर लेना पड़ता है, लाइसेंस बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लाइसेंस अवेलेबल है कहीं पर, देखो ISO, बहुत सारी चीज आप खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है ये ISO प्रोडक्ट है, मतलब ISO रजिस्टर्ड है, लिखा रहता है ना, मतलब उस कंपनी ने उसके लिए ISO लिया है, तो आपको उस पर ट्रस्ट आता है कि ये प्रोडक्ट सही है। तो ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको BIS नंबर ले सकता है, वो BIS का सर्टिफिकेशन कर सकता है, BIS बताता है कि ये प्रोडक्ट सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यही सब चीजें हैं, तो ये आपको जब मैन्युफैक्चरर है वो चाहे तो ले सकता है, मैंडेटरी नहीं। तो आपको जब आप कुछ भी BIS नंबर चाहिए तो जो आपका OEM है, मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो आप उनसे लोगे, एज ए रीसेलर आपको BIS नहीं मिलेगा। ओके सर, रोहन सर, मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली आपने जो अभी L1 वर्किंग लिस्ट दिखाई है वो क्या हम लोग को अवेलेबल होगी? मैं आपको इसका बनाना सिखाऊंगा वो। अच्छा, तो वो फिर मेरे को खुद ही सॉर्ट आउट करके नहीं निकालने पड़ेंगे नाम से? मेरा लेके आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट बदल जाएगा, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास तो ऐसे काफी लिस्ट है, मेरे पास काम खत्म हो गया इसका, मैंने काम खत्म, ऑर्डर दे दिया, ये मेरा काम खत्म हो गया। इसमें दोनों लिंक है, देखो ये हो गया प्रोडक्ट का लिंक और ये L1 का लिंक, ये प्रोडक्ट में डायरेक्ट डाला बायर के आईडी में तो हमारा ही प्रोडक्ट L1 हो जाएगा तुरंत। अच्छा, L1 का लिंक है, हम बायर को ये लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो आप मेरे को ये सिखाएंगे, मतलब कैसे? हाँ, मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ये काम करते कैसे, ये लिंक आप लेके करोगे क्या? नहीं नहीं, मेरे को वो क्वेश्चन नहीं था कि कैसे बनाना, क्योंकि मैं बनाना कैसा, ये है पॉइंट टॉपिक, ये प्रॉपर टॉपिक्स हो गया, यदि आप ये मिल भी गया आपको तो ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। देखो ओके जी, आप ये बनाना सीखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको बनाना सीखो, कोई भी प्रोडक्ट आप बना पाओ, ऐसा लिंक जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, किसी ने मेडिकल आइटम बोला था और मेरे पास मेडिकल आइटम के अभी बहुत काफी प्रोडक्ट पड़े थे, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, ठीक है ना? ओके, हां जी, सी प्रसाद सर बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बायर के एंड पे है। हाँ, कि बायर की सेम आईडी से हम
कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कोई आर्टिकल हम परचेज कर रहे हैं, डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं, कभी वो डेस्कटॉप हमने 60,000 में परचेज किया, दो तीन महीनों के बाद वो 75,000 में परचेज किया, जिसका जैसे लिंक बना, तो ये क्या ऑडिट में इशू बन सकता है क्या कि आपने सेम प्रोडक्ट कभी डिफरेंट रेट पे कभी डिफरेंट रेट पे लिया है? नहीं बन सकता, अभी नहीं मिल रहा है मार्केट में तो क्या करूं मैं, वो रेट में मिला है, ये तो कंपेयर ऑनलाइन जेम खुद बना रहा है, हम तो नहीं कर रहे ना, यदि जेम को प्रॉब्लम है तो जेम हमें स्टॉप करे। ओके, अभी जैसे कि मान लो ये वाला पेपर, कॉपियर पेपर, एक बार आपने ऑर्डर ले लिया तो सेम प्रोडक्ट 10 दिन तक जेम आपको ऑर्डर देने नहीं देगा, यही वाला प्रोडक्ट। ओके, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है तो जेम फॉलो कर रहा है ना, यदि प्रॉब्लम होगा उसमें ऑडिट में तो जेम आपको उसके जगह स्टॉप करेगा, उसको आगे बढ़ने ना दे जेम। ओके, तो जब आगे बढ़ने दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारे हाथ में तो है नहीं, तो यहाँ पे लीगल हो रहा है सब कुछ, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके रवि सर, रवि सर, सौरभ सर, सौरभ सर, हेलो, हाँ हेलो, बोलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था इसमें जैसे जो प्रोडक्ट्स इसमें लिस्ट है सिर्फ उन्हीं को सेल कर सकते हैं या कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं? नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, नया कैटेगरी नहीं बना सकते, जैसे जो कैटेगरी अवेलेबल है आप उसमें ही बेच सकते हो। अभी प्लेन कॉपियर में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्लेन कॉपियर में, आपके पास कॉपियर बेचना है पर कोई प्रोडक्ट जेम पे नहीं है तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, पर प्लेन कॉपियर की जगह पे मान लो आपका दूसरा कोई तरह का पेपर है और वो जेम पे अवेलेबल नहीं है तो वो आप ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब जो इस पे है उसी को कर सकते, जो कैटेगरी अवेलेबल है उस कैटेगरी का आइटम बेच सकते हो, उसमें कोई नया प्रोडक्ट ऐड जरूर कर सकते हो पर कैटेगरी नया बना नहीं। ठीक, सर ये जो पेपर का आपने बताया BIS मार्क का, हाँ, अभी ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास BIS सर्टिफिकेट नहीं है, मैं रीसेलर हूँ, बराबर, तो फिर मैं ये पेयर करके बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बेच सकते हो ना, क्यों प्रॉब्लम है आपको? जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, अब मान लो मैंने BIS कौन बोला, BIS नंबर कौन देगा आपको, ये मैंने कब बताया, कौन देगा आपको BIS नंबर? वो तो मैन्युफैक्चरर होगा, तो मैन्युफैक्चरर देगा, बराबर है। अभी मैन्युफैक्चरर आपको जब लाइसेंस नंबर देगा BIS नंबर, तो मान लीजिए सेंचुरी कंपनी का ही पकड़ते हैं, तो पारस सर भी बेचना चाहते हैं, शेख सर भी बेचना चाहते हैं, रवि सर भी बेचना चाहते हैं सेंचुरी का पेपर, तो क्या सेंचुरी कंपनी आपको अलग नंबर, रवि सर को अलग नंबर और आमिर सर को, शेख सर को अलग नंबर देगा क्या? नहीं सर, सबका नंबर एक ही रहेगा ना, उसने एक ही सर्टिफिकेट निकाला है ना। अभी सेंचुरी कंपनी का जो BIS नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा नहीं है क्या उसने? हाँ लिखा, हाँ गया ये नंबर देखो लिखा है ना, तो आप सेंचुरी कंपनी का जब प्रोडक्ट बेचोगे तो यहाँ से नंबर ले लो ना, खत्म हो गया आपका कहानी। ओके, सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम, समझ गया सर। अभी हर एक के लिए अलग अलग नंबर तो होगा नहीं, आपको अलग कंपनी का चाहिए तो उस कंपनी का एक प्रोडक्ट खोल लो, जिस कंपनी का चाहिए वहां पे नीचे BIS नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर को कॉपी करो उधर डाल देना का, जब नंबर चाहिए आपको, खत्म हो गया। ओके, समझ गया सर, समझ गया, बराबर है ना। अभी ग्रेट वैल्यू या कोई भी कंपनी लेते हैं, सेंचुरी, चलो विंडल्स का लेते हैं, अभी ये कंपनी का मुझे BIS नंबर दिखना है, ये प्रोडक्ट है खोलने का उस ब्रांड का और नीचे उसका BIS नंबर लिखा मिल जाएगा, वो BIS नंबर यूज कर लो। ओके, वो उसके नाम से रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन दिख जाएगा तुरंत जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है। ओके सर, शर्मा सर बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए सर, ये फिर से बता देना BIS नंबर कैसे हम कर सकते हैं? हाँ, मैं प्रोडक्ट अभी खुल रहा है, ये प्रोडक्ट खुल गया तो नीचे आपको नंबर मिलेगा, मैं बता देता हूँ। ललित सर, सर मेरा डाउट यही था कि OEM और रीसेलर में दोनों को कोई दोनों में कोई डिफरेंस होता कि जैसे OEM यदि कोई प्रोडक्ट बेच रहा है
तो टेंडर भरते वक्त बहुत टाइम पे ईएमडी लगता है, जिसको एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं, वो उनको नहीं भरना पड़ता। L1 प्लस 15% का मार्जिन मिलता है, मतलब आपका रेट ज्यादा है L1 जो ओईएम है। अब ये वाला प्रोडक्ट दो लोगों ने टेंडर भरा है, मैंने भी टेंडर भरा है और एज ए रीसेलर वाले ने भी टेंडर भरा है, और जो बिंडल कंपनी है उसने भी ये टेंडर भरा है। मेरा रेट कम है और ओईएम का रेट ज्यादा है, तब भी मुझे नहीं ऑर्डर मिलके ओईएम को ऑर्डर मिल सकता है, उनका रेट ज्यादा होने के बाद भी ये ओईएम को बेनिफिट मिलता है। ये सब कुछ चीजें जो कैसे होता है उसका रूल्स है, ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्डर में होगा, कुछ ऑर्डर्स में हो सकता है, उसके लिए रूल्स होता है, वो रूल क्या है वो सब चीजें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। रवि सर सर मेरे क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था। जैसे L1 परचेज जो डायरेक्ट हम L1 परचेज करेंगे तो या तो हमको बायर से कंसल्ट करके करना पड़ेगा या लिंक ऑटोमेटिक यहाँ पे हम कोई आइटम देखकर जनरेट करके हम उसको लिंक भेज सकते हैं किसी बायर को, किसी विभाग को, ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं अभी बता रहा था ना सर, मैं यहाँ पे आपको जो सीड दिखा रहा था वही तो दिखा रहा था। ये देखो, ये प्रोडक्ट का लिंक है और ये L1 का लिंक है। अभी मुझे इसमें कुछ खरीदना है, देखो मैं आपको एक आईडी से खोल के भी दिखाता हूँ, यदि मेरे पास इसका लिस्ट नहीं है तो। एक मिनट, जेम लॉग इन। ये मैं बायर का आईडी खोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी थोड़ा जिन लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा समझने में। जैसे मैं एक पोर्टल दिख रहा हूँ, ये वाला है, ये मुझे रेट है मेरा 14 रुपीज और क्वांटिटी है 35,000 तक मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट का लिंक है और ये L1 का लिंक है। देखो मैं L1 का लिंक को कॉपी करता हूँ, देखो डायरेक्ट मुझे ही कैसे ऑर्डर मिल जाएगा। इसको पेस्ट कर देता हूँ लिंक को, जो L1 का लिंक है आ गया। कितना क्वांटिटी का ऑर्डर चाहिए मुझे? 35,000। रेट है मेरा 14,000, 4,90,000 रुपये इसमें मुझे ऑर्डर चाहिए। एग्जिट करो, सिलेक्ट कंसाइनिंग महाराष्ट्र, क्वांटिटी है 35,000। 35,000 है या 3.5 लाख है? 35,000 है, बराबर है। इसको कर देते हैं सर्च। अभी देखो L1 शायद दूसरा कोई आएगा, पता नहीं मुझे। फिर से लिंक उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। मेरा प्रोडक्ट का ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है इसलिए लिंक बदल गया, नहीं तो 4,90,000 में मुझे ही ऑर्डर मिलता था। दूसरा देख लो, ये ऑलरेडी इसका लिस्ट आउट खत्म हो गया है, इसका ऑर्डर दे दिया हूँ तो मेरे पास से उसका स्टॉक घट गया। दूसरा का दिखाता हूँ, इसमें देख लो इसका रेट कितना है, 4,026 क्वांटिटी है, 4,026 क्वांटिटी का ऑर्डर चाहिए मुझे। तो ये हो गया, क्वांटिटी है 4,026। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसाइनिंग महाराष्ट्र के लिए है 4,026। सर्च। अभी L1 कौन आ रहा है? 22,000 वाला, बराबर है भाई। मेरा रेट कितना है? 1,19,000। ये लिंक को उठाएंगे, कॉपी। अभी ऑर्डर किसको जाएगा? दूसरे पार्टी को। अब इसको पेस्ट कर देते हैं L1 का लिंक। 1,28,000 मेरा रेट कितना है? 1,19,000। नहीं, मुझे फिर भी ये ऑर्डर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये भी परचेज हो चुका है। जो परचेज नहीं हुआ है उसमें से कुछ रहेगा तो मिलेगा, क्योंकि मैं स्टॉक ऐसा ही डालता हूँ कि मुझे ऑर्डर बाद में और ऑर्डर मिले ही नहीं। होगा मेरे पास कोई प्रोडक्ट जिसका मैंने खरीदा नहीं हो? इसका होगा, इसका तो नहीं खरीदा है। हाँ, मुझे पता है ये नहीं खरीदा है। देखो ये आइटम मैंने नहीं खरीदा है। कॉपी। ये मेडिकल आइटम है, ये नहीं खरीदा है। ये हो गया कैटेगरी, क्वांटिटी है 100, 499 का रेट है, क्वांटिटी है 100। अभी रेट कितना आ रहा है? 2,796 ये रेट आ रहा है। मेरा रेट कितना है? 49,900। ये हो गया L1 का लिंक। L1 लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
आ गया डायरेक्ट मेरा रेट, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे ऑर्डर में लेके जाऊंगा, कुछ करना नहीं है, तुरंत आ गया देखो पूरा फिल्टर बना सब कुछ। तो ऐसे लिंक डालना है और बायर को डायरेक्ट लिंक दे देना है, डायरेक्ट आपको ऑर्डर चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं कुछ। ये सर ये चीज तो बायर बायर बताएगा ना, बायर जैसे मिलना मैं आपको वही मैं बता रहा हूँ सर, सिर्फ बायर सीखने से नहीं होगा, इसके लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करना कैसे करेंगे ये सब चीज पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद एल1 बनाना सीखोगे और बाद में लिंक। समझ में आया ना, मैं आपको सिर्फ बता रहा था जो होता कैसा है, ये लिंक काम कैसे करता है, हमने ऐसा बना के क्यों रखा है ये सब चीजें। लिंक तो सर ये 24 घंटे रहते हैं कि और दिन जब तक किसी ने मेरा रेट घटा नहीं दिया, अभी इसमें से किसी एक प्रोडक्ट ने मेरा रेट इससे कम कर दिया ये लिंक इनवैलिड हो जाएगा, तब तक काम करेगा, चाहे वो 7 दिन हो 10 दिन हो या 1 महीना हो या 1 घंटे का भी हो सकता है। अभी आपने ही ये प्रोडक्ट का लिंक रेट घटा दिया तो मेरा रेट आपका वाला L1 आ जाएगा, मेरा वाला नीचे आ जाएगा, है ना। हाँ सेलर के आईडी से भी बन सकता है, पर प्रॉपर रिजल्ट सेलर के आईडी से नहीं मिलता है, बायर के आईडी से ही प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। बायर के आईडी तो मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, सेलर में भी कर सकते हो, मैं आपको सेलर में भी यही आईडी का लिंक आपको सेलर में दिखा देता हूँ, देखो सेम आपको सेलर में भी दिखाता हूँ, या अभी मैं सेलर का आईडी खोल रहा हूँ, सेम लिंक में सेलर में पोस्ट कर रहा हूँ, ये है सेलर का आईडी, अब ये लिंक सेलर में पेस्ट कर देता हूँ, देखो सेलर में भी मुझे L1 दिखाएगा, लॉग इन करो खाली, आ गया देखो 1250 रुपये, ये मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं ये नहीं है सर मेरा, देखो इसमें हाई टू लो का फिल्टर है, इसको लो टू हाई का करो तो मेरा आएगा, ये वाला मेरा था नहीं, ये वाला था मेरा, देखो 499 वाला, अभी ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है, ये महाराष्ट्र में नहीं बेच रहा है फिर भी ये आ रहा है, तो इसमें आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट को खोल के देखना पड़ता है कि ये महाराष्ट्र में सेल कर रहा है या नहीं, ये महाराष्ट्र में देखो सेल नहीं कर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के बायर को ये वाला प्रोडक्ट नहीं दिखा, डायरेक्ट मेरा वाला प्रोडक्ट दिख गया, ठीक है, समझेगा आपको थोड़ा थोड़ा करके, इसमें ज्यादा जोर मत डालो, सिर्फ समझो हो सकता है इतना ही। महिपाल सर बोलिए। जी सर, पहले हमारे सेंचुरी वाली बात हुई, तो अगर सेंचुरी एज ए ओईएम रजिस्टर्ड है तो उसकी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, सिर्फ ऑथराइजेशन चाहिए? नहीं, डिपेंड, आगे आपको बताऊंगा, ये डिपेंड कैटेगरी के ऊपर, कुछ Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 कैटेगरी के कुछ नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलता है, जरूरी नहीं सेंचुरी, हाँ वो आगे आपको पता चलेगा किसके लिए ऑथराइजेशन लगता है और किसके लिए ऑथराइजेशन नहीं लगता। जनरली समझ लो 90% प्रोडक्ट को ऑथराइजेशन नहीं लगता, 10% प्रोडक्ट को ही ऑथराइजेशन लगता है, 10 से अभी 20% पकड़ लो, 80% प्रोडक्ट को ऑथराइजेशन नहीं लगता, ठीक है। जैन सर हेलो। हाँ सर, सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, 7 बजे मैंने ज्वाइन किया है, तो अभी कुछ ज्यादा मिस तो नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं, आज पूरा इंट्रोडक्शन का आज क्लास चल रहा है, तो आप आराम से कभी भी ज्वाइन करो, प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे का लेक्चर में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वही आज एक्चुअली बाहर चला गया था मैं, तो वही मोबाइल पे ज्वाइन नहीं पाया। चलेगा। सारन सर बोलिए। सारन सर, सर जो ये एक्सेल पर वर्क होता है सर, ये भी आप सिखाओगे क्या? हाँ सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके, इसीलिए तो सिखाऊंगा ना मैं, नहीं तो बगैर में फिर क्या मतलब रह जाएगा मेरे क्लास का। मैं आपको जो मेरे पास है मैं आपको सब चीज सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम अलग करता हूँ और आपको सिखाऊंगा कुछ अलग, जो मैं करता हूँ वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ये गारंटी है। अभिषेक सर। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए सर। जैसे आप बोल रहे हो कि लिंक L1 का सेलर की आईडी से भी बन जाता है, हाँ, तो फिर बायर की आईडी क्यों चाहिए थी? क्योंकि बायर की आईडी में प्रॉपर आता है,
अभी सेलर का आईडी में लिंक जब जनरेट किया तो देखो ₹105 वाला प्रोडक्ट आया ना, अब इसको मुझे मैनुअली चेक करना पड़ रहा है, जो बायर के आईडी में ऑटोमेटिकली ये निकाल दिया, मुझे मैनुअली चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये बायर के आईडी में बेनिफिट मिल, मेहनत ज्यादा है सेलर के आईडी में, और थोड़ी आपकी गलती आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। बायर में श्योर शॉट है, यदि वो लिंक दिया है तो काम करेगा, मतलब करेगा। सेलर में आपने थोड़ा गलती किया तो वो लिंक आपका इनवैलिड हो सकता है। अभी पूरी तरह तो ये मतलब कि समझ नहीं आया एल1 का वर्किंग करेगा। वो तो थोड़ा, जिनको थोड़ा पता है उनको ज्यादा समझेगा, जिनको बहुत थोड़ा भी पता नहीं जेम के बारे में, मैंने पहले बोला ये क्लास थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, तो मैं सिर्फ जेम में थोड़ा वर्किंग समझा रहा हूँ ताकि जो लोग जानते हैं थोड़ा वो लोग हमारे साथ फेमिलियर हो जाए, वो आगे के क्लास में मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए। हाँ जी महिपाल सर, मैं देखना एक मिनट क्लास अभी एक मिनट। हेलो, इधर लियो होने से मैं इधर देखूंगा। हेलो आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट जेम से बाय करता है? सबसे ज्यादा सभी डिपार्टमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है। फिर भी आप कौन सा प्रिफर करते हो? अभी आप किस फील्ड में बताना ना चाहते हो ऐसा बताओ तो मैं बताऊंगा। जैसे तालुका पंचायत होती है तहसील की। अरे सर यदि आप जिला परिषद में काम करते हो तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, उससे अच्छा प्रॉफिट कहीं नहीं मिलता। हां और पंचायत समिति पीएचसी हां ये सीएचसी और पीएचसी होते हैं जो हेल्थ सेंटर, पीएचसी सीएचसी मतलब हेल्थ सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हां हां अरे बाप रे उनके तो बहुत है। आप अभी बताओ, मैं अभी आपको ये रिकॉर्ड से तो नहीं लगा सकता, पॉज करता हूँ। अमित सर चलो ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे क्लास में और आपकी क्वेरी के चक्कर में हम लोग क्लास को दूसरे तरफ मोड़ दिए। जो लोग नया है सर बोलेंगे सर तो बहुत बकवास ही कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर की बातें। कितने लोग बिल्कुल नए हैं पहले वो तो जान लो, नहीं तो फिर उन लोगों के लिए क्लास बहुत बोरिंग होगा। बिल्कुल नया हूं सर। हाँ आईफोन कौन है? आईफोन मैं आपको अभी निकाल रहा हूँ, है आप बार बार हो जाएंगे ना, मैं निकाल दिया आईफोन। कौन है? अनम्यूट करो, नाम से कनेक्ट होना है, मैंने बताया है। मैं निकाल दिया तो फिर आप डिवाइस से फिर कनेक्ट नहीं हो पाओगे, दो बार आप बाहर गए और फिर से आ गए। हेलो हाँ सर, देयर इज सम डिस्टरबेंस, कॉल आता है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा फोन। हाँ मैडम क्या करना है आपको, डिस्कनेक्ट से मुझे मतलब नहीं है, आपकी बातें बराबर है। आपको जो नाम है ना मैडम, नाम चेंज करना है, आईफोन बोल के कनेक्ट नहीं होना है यहाँ पे। तो वही नाम भी मेरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है? एक नहीं मैडम, आप जब आप लॉग इन करोगे ना जूम में, आप जब चालू करोगे ना तो वहाँ पे डिस्प्ले नेम बोल के ऑप्शन रहता है। अच्छा उसपे मैं एक बार वहाँ पे आपका नाम डाल दो बस, अब बाद में आपको जब भी आप कनेक्ट करेंगे आपका नाम से ही कनेक्ट होंगे आप। ओके मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। हाँ 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 ठीक है, मैं अभी फिलहाल चेंज कर देता हूँ। बोलिए मैडम आपका नाम क्या है? नहीं मैं रेनू, रेनू के नाम से कर दीजिए। रेनू के नाम से ओके, तो मैंने अभी फिलहाल चेंज कर दिया, बाद में आप जब भी आप आगे से कनेक्ट होंगे ना प्रॉपर नाम से कनेक्ट होंगे, है ना? श्योर श्योर ओके सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आकाश सर बोलिए प्लीज। नहीं सर बोलने के लिए, मैं भी नया हूँ। नया है ओके। पंकज सर नया है क्या आप भी? हाँ सर मैं भी नया हूँ। तो आप लोगों के लिए जो लोग नए हैं थोड़ा सा आपके लिए क्लास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जाएगा, पर मैं आपको आगे आगे थोड़े थोड़े पॉइंट आपके लिए भी समझाऊंगा जो आपको भी समझ में आ जाए। बाकी की ये चीजें ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लो, जिनको कुछ भी नहीं पता जेम पे, ऐसा नहीं कि क्लास ऐसा सर बता रहे हैं कहीं से भी कोई भी चीज बताते जा रहे हैं तो हमें क्लास आगे का समझ में ही नहीं आएगा। क्लास समझ लो अभी चालू भी नहीं हुआ है, सिर्फ पुराने जो लोग स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा पता है वो आगे हमें डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए बजे उनका क्वेरी सिर्फ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और जेम समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोनों चीजें आज के लेक्चर में हो रहा है, जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, पुराने मतलब डाउट्स नहीं रहने चाहिए, और जेम में काम कैसा होता है, क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो भी साथ साथ में बताते जाऊंगा। बस सर मेरी क्वेरी थी। हाँ बोलिए सर, जैसे आपने जेम में बताया कि ये जो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जितना आप जैसे हमें समझा रहे हैं, हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे जो आप नोट्स देंगे
उस पे ही सारी चीजें कवर होंगी, क्योंकि कई पॉइंट्स अगर हम नोट करने पे रहते हैं तो फिर वो चीज नहीं, 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 नहीं। जो आप नोट्स कुछ भी मत करो यहाँ पे, जी जी कोई भी नोट सिर्फ सुनो देखो, और साथ में चाहे तो लैपटॉप है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी नोट्स करने जैसा कुछ नहीं है, पेपर पेन बाजू में रख दो। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा जो ये नोट्स कर लेना चाहिए तो कर लो, बाकी के आपको सबके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस के आपको पूरा पीडीएफ का फाइल मिलेगा, वीडियो का लेक्चर मिलेगा। ठीक है ठीक है। तो आपको एक क्वेरी और थी। हाँ बोलिए। एक क्वेरी और थी, जैसे लोकल परचेज का आपने बताया कि डायरेक्ट 25,000 तक वो परचेज कर सकता है बायर, तो उस कंडीशन में बायर जो हमारी कैटलॉग देके हमसे हमारा क्या कैसे कॉन्टेक्ट करेगा वो? बायर आपका जब पहचान का होगा तो मैं बता रहा हूँ तो होगा वो, तब वो लिंक हमने बताया ना, लिंक कैसे होगी है? लिंक के थ्रू ही होगी, लिंक के थ्रू से आप लिंक भेजेंगे। मैं अभी लिंक भेज के अभी एल1 बनाया ना, देखा नहीं आप? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा ही लिंक भेज के एल1 से आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा आपके रेट। ओके, तो इसपे जो पेमेंट है वो कैसे होती है? इसमें पेमेंट बायर अपने हिसाब से कैसे भी कर सकता है, आपको चेक दे सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, कैसे भी। अच्छा, कैसे भी कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। शेखर सर बोलिए। सर मेरा भी पेमेंट के रिगार्डिंग ही इशू था। हाँ बोलिए ना। अभी मेरा समझो कंप्यूटर का शॉप है, हमने वहाँ पे लैपटॉप भेज दिया, तो भेजने के बाद में वो पेमेंट कितने दिन में देते हैं? जनरली गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जो नॉर्म्स है वो मैं बताता हूँ। 45 days का, जिस दिन उसको मटेरियल रिसीव होगा, रिसीव करने को बोलते हैं सीआरसी, जिस दिन सीआरसी जनरेट होगा उसके 45 days के अंदर आपको पेमेंट मिलना चाहिए। ओके, ये नॉर्म्स है। उसके बाद एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जो नॉर्म्स है सीआरसी मतलब मटेरियल रिसीव जिस दिन होगा उसके 45 days के अंदर पेमेंट होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सर मुझे नहीं मिला है, हो सकता है मैं भी नहीं मिला। अब जैसे कि आप शेखर सर का लैपटॉप का दुकान है, बराबर है, आप जब किसी को लैपटॉप अपना सेल करते हो क्रेडिट पे लेता होगा ना, बहुत सारे आपके कस्टमर जी जी लेता होगा, तो आप नॉर्म्स डालते हो ना, जो मैं आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है या 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 30 दिन का आपको क्रेडिट दे रहा हूँ। यदि किसी ने, क्या आपको हर एक कस्टमर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, ज्यादा भी दिन जाता है ना जी। तो सेम यहाँ पर भी। ओके, यानी मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी मैं क्रेडिट दे रहा हूँ तो मुझे मालूम है ये पैसा लेट होगा पर कहीं जाएगा नहीं, तो बायर सर ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आज तक कभी सुना है क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी का पैसा डूब गया है? नहीं, डूबाते नहीं है सर, पर निकालने के लिए वो तो अभी कोई भी, आप भी, आप सेलर, आप मुझे दिए, मैंने, मेरे अच्छा रिलेशन है, मैं आपका पैसा एक एक साल दो दो साल के बाद भी कभी कभी मिल जाता है, क्या कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसमें प्राइवेट बायर भी होते क्या? नहीं नहीं, प्राइवेट बायर नहीं होते, सिर्फ गवर्नमेंट। तो आप चाहो तो उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। यदि आपको 45 days तक आपको लीगल एक्शन नहीं ले सकते, आफ्टर 45 days आप बायर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। तो जितना दिन आपको लेट करेगा, एक साल लेट किया 45 days के बाद, तो आपको एक साल के बाद जो पैसा मिलेगा यदि आपने लीगल एक्शन लिया बायर के ऊपर, तो जो बैंक का इंटरेस्ट है उसके 3x इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा। ओके, मतलब 8% इंटरेस्ट चल रहा है तो 27% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा, ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। और एक बात ये पूछनी थी, समझे हमने उनको डिलीवरी दे दी, समझो मैंने मॉनिटर दिया, हाँ 10 monitor दे दिए, उन्होंने वो रिसीव्ड नोट भेज दिए, और फिर 25 दिन बाद वो बोले कि उसका स्क्रीन ब्रोकन है, तो अभी वो पैसे रुका दिए, तो वो समय क्या कर सकते? नहीं ना सर, सीआरसी जनरेट होने के बाद नहीं, सीआरसी जनरेट हो गया तो वो ऐसा नहीं बोल सकता। ओके, सीआरसी से पहले बोल सकता है। तो आपके पास इसलिए जेम ने अभी एक नया चीजें लॉन्च किया है, मतलब नया नहीं है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, ये बताता है जब आपको उसका रिसिप्ट मिला तो आप जेम पे अपडेट कर देने का उसका रिसिप्ट। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, यानी फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। हाँ, इन्होंने सब सही दिया था, अभी ब्रेकेज है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, यानी बायर्स की, बायर की, यस। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि
अभी हमारे सर्विसेस है जैसे एएमसी और नेटवर्किंग, हाँ तो ये हम लिस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना सर। ओके ठीक है, फिर यही था सर। पारस सर, सर ये प्रोडक्ट का जैसे लिंक होता है वैसे सर्विस का लिंक होता है? नहीं, सर्विस का लिंक नहीं होता सर। सर्विस में आपको रेट से पता करना पड़ता है जो आपको ऑर्डर जा रहा है कि नहीं। आकाश सर, सर ये पूछना था, सर ये पूछना था कि एक बार ये L1 कैसे क्रिएट करते हैं बाद में बताओगे ना? सर वो तो जब मैं बायर में आऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको डिस्प्ले के लिए थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। अंडरस्टूड, ठीक है, नो इशू। शर्मा सर, शर्मा हेलो। हाँ सर, ये सीआरसी का मतलब क्या है और ये कौन बनाता है? और ये सीआरसी बायर बनाएगा जो मेटेरियल को रिसीव करेगा। कंसाइनी रिसीव एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, CRAC। कंसाइनी जो मेटेरियल रिसीव करता है उनको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं। रिसीप्ट करना मतलब कंसाइनी रिसीप्ट कर रहा है मेटेरियल का और आपको एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट दे रहा है जो मैंने मेटेरियल को प्रॉपर रिसीव कर लिया। मतलब जब उनके पास मटेरियल पहुंच जाएगा तब देगा? तब देगा, वो चेक करने के बाद जो ये प्रॉपर मटेरियल है। और उसी रिसिप्ट को हम अपलोड कर देंगे? उसी को आप अपलोड करेंगे, यस। ठीक, रेनू मैडम। हेलो। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना था, समटाइम्स क्या होता है कि मटेरियल वगैरह सब डिलीवर हो गया लेकिन सीआरई से जनरेट ही नहीं करते हैं, हाँ। तो फिर उस पे क्या एक्शन लिया जा सकता आप है? उसके ऊपर एक्शन नहीं मैडम, आपने जो डिलीवरी दिया है ना आपने उसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ होगा? हाँ, प्रूफ है, हमने अपलोड किया। आप अपलोड कर देने का JMK पोर्टल पे ऑटोमेटिकली 15 दिन के अंदर जनरेट नहीं होता है। हाँ तो मैं बोला ऑटोमेटिकली, अभी जेम क्या बोलता है 15 दिन के अंदर आपने यदि उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 डेज के अंदर यदि बायर ने सीआरसी जनरेट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सीआरसी जनरेट हो जाएगा, जेम ऑटोमेटिक सीआरसी जनरेट कर देगा। अच्छा, हमारे डिलीवरी अपडेट करने के 15 डेज बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर वो नहीं करते तो? वो नहीं करते हैं तो। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग बायर के अकाउंट से बिड निकालते हैं, हाँ। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन कब आता है? नहीं मैडम, उसके लिए आपको एक ऑप्शन है कैटेगरी, वो प्रॉपर वे से चूज करना पड़ता है, उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ओके, तो मैं आपको बायर का जब मैं खोलूंगा ना तब मैं बताऊंगा, जब मैं टेंडर बनाना सिखाऊंगा तो नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं लोगों को। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जो आपके बैठे हुए टेंडर टाइगर वगैरह जिनने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है उन लोगों को भी पता नहीं चलेगा ये टेंडर निकला है करके। ओके ओके, आपका टेंडर का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो जनरली वहीं पर हम 90% टेंडर मैनेज कर लिए। हाँ, वही होता है ना, क्योंकि हर जगह फ्लोट हो जाती है चीजें, फ्लोट हो जाती है, तो फ्लोट से कैसे बचना है वो मैं आपको बता दूंगा। जनरली टेंडर मैनेज वहीं पर सबसे ज्यादा हो जाता है। ओके राइट राइट जी सर, ठीक है। महीपाल सर, सर मेरे दो क्वेश्चन है। तो जो जो रिसीप लेटर बायर के अकाउंट से ही जनरेट होता है ना? हाँ, सब बायर के। ओके, और आज पहला दिन है तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक अनएथिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। हाँ, कि जो डायरेक्ट ऑर्डर होता है 25,000 वाला, उसमें हाँ, प्राइस के साथ हम मनमानी कर सकते हैं क्या? और अगर हाँ, कर सकते तो बायर को इश्यू आ सकता है क्या इससे? नहीं, कोई सुन। ओके, प्राइस के साथ मनमानी कर सकते हैं हम? कर सकते हैं, कर सकते हैं डायरेक्ट ऑर्डर। ओके थैंक यू। सिर्फ प्रसाद सर, सर ये जो सीआरएसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया थोड़ा सा सर, ब्रीफ कर देते दोबारा। ये एक रिसीप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बायर के आईडी में, वो जब मटेरियल को रिसीव करेंगे तो एक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है। अभी मैं अभी बायर के आईडी से मुझे दिखाना पड़ेगा फिर आपको, कुछ नहीं, एक जो मटेरियल रिसीव कर लिया उसका एक प्रूफ होता है बस, बाकी ठीक है सर। डैशबोर्ड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, बायर का आईडी है, ये डिस्पैच हो गया ना, ये डिलीवर नहीं हुआ मतलब इसका सीआरसी नहीं बना है, इसका भी सीआरसी नहीं बना है। देखो इसका सीआरसी बन चुका है, ये वाला सीआरसी हम लोगों ने बना दिया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट निकालो, यहाँ पे आपको सीआरसी का रिसिप्ट मिलेगा। देखो ये ऑर्डर का पूरा डिटेल्स है, किसको मिला, क्या मिला,
और ये शिपमेंट डिटेल्स, ये शिपमेंट जो किया है कंसाइनी का उसका पूरा डिटेल्स है सीआरसी, यहां से इनवॉइस और ये सीआरसी, ये सीआरसी का रिसिप्ट, सीआरसी जो मेटेरियल भेजा था एक रिसिप्ट कर लिया एक और एक्सेप्ट भी एक कर लिया, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, अमाउंट है 19,500 ये सीआरसी है ना, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ठीक है सर। ये जो जो ऑर्डर आप दो दिखा रहे थे जिसमें डिलीवर्ड नहीं दिख रहा था, हाँ, उसमें सीआरसी का ऑप्शन कहाँ आ रहा है सर जनरेट करने का? वहां पे सीआरसी का जनरेट आपको मिलता है, वहां पे सीआरसी आप जनरेट करना पड़ता है बायर को, ये डिलीवर डिस्पैच होने के बाद मिलेगा, यहाँ मिलता है प्रोसेस ऑर्डर, इसके बाद आपको पहले पीआरसी होता है फिर सीआरसी जनरेट होता है। ललित सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम लोग मैन पावर आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग वगैरह का, उसके साथ साथ अभी जैसे कुछ बायर हम लोग सेट हैं, तो हम लोग सप्लाई का काम भी कर रहे हैं, मतलब शुरू करेंगे अभी उसी के लिए मैं ये सब सीखा हूँ, तो वहाँ पे कैसा है कि वो मेरे को कुछ भी प्रोडक्ट डिटेल दे देते हैं, जैसे मुझे दो तीन लिस्ट भी मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, यहाँ बताएंगे आके, मतलब उसमें कुछ हेल्प हो पाएगी? मार्केटिंग तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मार्केटिंग का क्लास तो नहीं है, बट आपका लिस्ट, आपको यदि प्रोडक्ट अवेलेबल है जेम पे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लोगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है सर, क्योंकि जैसे उसमें वो कुछ भी आके मिसलेज जनरल ऑर्डर सप्लायर रखते हैं लोग, कुछ भी मांग लेते हैं, हाँ मांग सकते हैं उसके लिए, हाँ तो जो भी मांगे उसके लिए बाहर से आप लाके दे दो, लाके दे दो तो वो ऑर्डर आप, हाँ तो वो ऑर्डर आप जेम से कैसे लोगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो नहीं कराऊंगा सब बताऊंगा। जैन सर बोलिए, जैन सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे अभी आपने मैडम को सीआरसी के बारे में बताया है ना, जैसे कस्टमर ने सीआरसी नहीं किया अभी तक, जैसे 6-6 महीने हो जाते हैं, तो अभी आप जैसे बताया 15 दिन में ऑटोमेटिकली हो जाता है, मेरे केस में तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें सीआरसी हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है क्योंकि आपने डिलीवरी डिलीवरी का जो डिटेल्स है वो अपडेट नहीं किया। अच्छा, उसको अपडेट करेंगे, हाँ, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना सर, हाँ, तो उसका ऑप्शन किधर रहता है? वो सेलर के एंड में रहता है। अच्छा, सेलर के एंड, बता सकते हैं सर किधर? हाँ, मैं बता दूंगा आगे। ओके सर, थैंक यू। शर्मा सर। सर मेरे को भी यही पूछना था कि जो आपने सीआरसी बोला और ये बायर बनाता है तो ये कब बनाता है, कैसे बनाता है, ये आप आगे दिखाओ, बताओ। मैं भी दिखाऊंगा ना, मैं वही थोड़ा थोड़ा भी बेसिक कुछ चीजें कंफ्यूज हो रहा है तो वो मैं खाली खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी किसी आगे बताते रहो। और डिटेल अपलोड कैसे करनी है, सब सब रहेगा सर क्लास में, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम स्टार्ट से लेके लास्ट तक आपको बताऊंगा। और कुछ? चलो, हमारा क्लास कुछ अधूरा ही रह रहा है, हम बता रहे हैं अलग, हम चल रहे हैं कहीं अलग, थोड़ा सा जेम के बारे में समझ लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। चलो, अभी यदि आपकी क्वेरी खत्म हो गए हैं तो हम लोग थोड़ा जेम के बारे में डायरेक्ट परचेज छोड़ के थोड़ा आगे के परचेज में आते हैं। तो आप लोगों का अभी तक ये परचेज क्लियर हो गया कि डायरेक्ट परचेज होता क्या है, जो जेम पे हम लोग अमेजन वगैरह में खरीदते हैं उसको ही हम लोग डायरेक्ट परचेज बोलते हैं, ऐसा ही सेम चीज बायर यहाँ से खरीद सकता है। सिर्फ जेम पे एक ही प्रॉब्लम है कि जेम पे हम कोई चीज खरीद नहीं सकते, सिर्फ बेच सकते हैं, खरीद सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट, है ना। दूसरा तरीका खरीदने का तरीका है, इसका लिमिट है 5 लाख, कितना है लिमिट? 5 लाख, 5 लाख का लिमिट है, तो 5 लाख का लिमिट है वो हम कैसे खरीद सकते हैं यहाँ पे, 5 लाख के जो लिमिट है उसको खरीदने का तरीका है L1, मतलब यहाँ पे विथ कंपेयर करना पड़ेगा। डायरेक्ट परचेज में जैसे कि यहाँ पे हमने कोई लाइट के साथ कंपेयर किया क्या इसको, जो मुझे इसके सिमिलर जो लाइट है उसके साथ उसका रेट कितना है, कंपेयर तो नहीं किया, कंपैरिजन सीट नहीं बनाया, बनाया क्या? नहीं बनाया, जो ये लाइट और ये लाइट को कंपेयर किया ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट खरीद लिया। तो जेम पे जिसकी लिमिट है 25,000 है, जब हम किसी के साथ इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके खरीदते हैं तो इसकी लिमिट हो जाती है 5 लाख, यही लाइट की कितनी हो जाएगी इसकी लिमिट? 5 लाख। L1 वो भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है बट विथ कंपेयर, कंपेयर में भी कुछ नॉर्म्स है, जैसे कि
दो सेम ब्रांड नहीं ले सकते, जैसे कि मैं बायर में और एक बार लॉग इन होता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कंपेयर में कैटेगरी यही ले लेते हैं, प्लेन कॉपियर है ना, ये कैटेगरी का नाम है। कैटेगरी एक कैटेगरी बायर के आईडी में डाल दिया, बायर कैसे खरीदता है देखो। अभी आपका रेट इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाला रेट आपका प्रोडक्ट है, हाई टू लो में जाते हैं, ये रेट आपका सबसे ज्यादा है, तो ये वाला प्रोडक्ट का भी ऑर्डर बायर आपको दे सकता है। सबसे ज्यादा है ये रेट, इसको एड टू कार्ट कर सकता है बायर, आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, पर ये कितना अमाउंट तक दे पाएगा, 25,000 तक। बट L1 में इसका ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इसके साथ तीन प्रोडक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसका रेट ही सबसे हाई है तो कंपेयर कैसे होगा, तब यहां पे कंपेरिजन आता है। स्लेट कंसर्न, बायर को चाहिए 100 सर्च, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेम L1 बता देता है जो 23,000 वाला 500 वाला L1 है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा उसको ही ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे तीन अलग अलग प्रोडक्ट के साथ कंपेयर सीट बनाना पड़ता है। कंपेयर मान लो ये वाला प्रोडक्ट है मेरा, इसको ब्रांड हम सेम नहीं ले सकते, जैसे बिंडल्स का है तो हम यही सेम ब्रांड नहीं ले सकते, उसके साथ कंपेयर नहीं होगा देखो। या फिर अब जैसे दो ब्रांड है JMD, यही ब्रांड के साथ दो प्रोडक्ट कंपेयर हो गया, और यही ब्रांड के साथ ये ब्रांड को कंपेयर करते हैं, नहीं होगा। कांट बी एड कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर और सेम ओयर, तो आपको अलग ब्रांड का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब ये ब्रांड ले लिया तो तीन अलग अलग ब्रांड के साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर करके अभी ये डायरेक्ट परचेज हो सकता है। अभी एड टू कार्ट करोगे तो परचेज हो जाएगा, इसकी लिमिट 23,500 की जगह 5,00,000 तक भी हो सकती है। तो ये है विथ कंपेयर, और जो हम डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं उसका लिमिट है 25,000। शिव प्रसाद सर बोलिए। सर ये जो 5,00,000 तक की लिमिट जो L1 परचेज में, सारे कैटेगरी के लिए सेम है क्या? सारे कैटेगरी ऑटोमोबाइल को छोड़ के, ऑटोमोबाइल की लिमिट है 30,00,000, 30,00,000। ओके। Q1 कैटेगरी में जनरली वो आता है, Q1 में उसकी लिमिट है। तो ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गया, बाइक्स हो गए, ये सब जो ऑटोमोबाइल है उसका लिमिट है 30,00,000 रुपया, बाकी सब कैटेगरी का लिमिट है 5,00,000। ओके। और डायरेक्ट परचेज ई रिक्शा का नहीं होता, ई रिक्शा जो होता है, ई रिक्शा पता चला ना, वो बैटरी ऑपरेटेड जो होती है, हाँ हाँ हाँ, उसका L1 परचेज या डायरेक्ट परचेज नहीं होता, वो बिडिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके बिडिंग के थ्रू से जाना पड़ेगा। समझ में आ गया, डायरेक्ट परचेज और L1 परचेज, और एक तरीका है खरीदने का वो है बिड टेंडर, टेंडर निकालो, जो सबसे कम रेट में देगा उसको ऑर्डर मिलेगा, जैसे कि टेंडर व्यू कॉन्ट्रैक्ट, हम पुराना कोई टेंडर देख रहे हैं, कौन सा कैटेगरी का देखो बताओ, कोई भी कैटेगरी बताओ आप लोग, कौन सा कैटेगरी का टेंडर देखो, कंप्यूटर का देखो, मैन पावर का देखिए, मैन पावर में सब 3.5% कॉमन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर 22,300 से 14,000 के बीच देख लेते हैं। लोड हो रहा है, जितने भी टेंडर निकले हैं हम उसका देख सकते हैं यहाँ पे बीड में, सॉरी ये डायरेक्ट परचेज का हो गया, बीड का देखना था ना, सॉरी बीड, लिस्ट ऑफ बीड, यहाँ पे बीड आ रहे स्टेटस, जो पुराना निकले टेंडर खत्म हो गया है उसका कोई भी टेंडर का हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं, बीड आ रहे अवार्ड, जो अवार्ड हो चुका है, ठीक है। अभी कोई भी टेंडर जैसे मुझे देखना है, बोल रहे हैं आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ डाल दो डेस्कटॉप कंप्यूटर और सर्च कर दो, तो अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही दिख जाएगा, ये प्रिंटर मशीन जेरोक्स बहुत सारा आइटम है इसमें, लैपटॉप कंप्यूटर भी है, इसका हमको L1 देखना है,
ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र का है, 21 तारीख को टेंडर था, 31 तारीख को खत्म हुआ व्यू बिड रिजल्ट। अब इसमें इवोल्यूशन देखो, चार लोगों ने टेंडर भरा, समर्थ ने, यूनिवर्सल कंप्यूटर, इसमें चार लोगों ने मिलकर टेंडर भरा, ये चार। L1 कौन है? जो सबसे कम रेट में कोट किया, ऑर्डर पूरा इसको चला गया 6,39,000 का। तो ऐसे आपको पता चल जा सकता, ये है टेंडर। इसमें भी तीन लोग कंपलसरी है, मिनिमम तीन लोग आने ही चाहिए। तीन से इसको ज्वाइन कैसे करना टेंडर में? वो आगे बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ टेंडर का बारे बता रहा हूँ, कैसे आप कोई भी टेंडर में भरोगे, कैसे फिल कैसे करोगे, उसके लिए टेंडर पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, फिर आप टेंडर उसमें एलिजिबल हो कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना, बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, उसके बाद हम लोग टेंडर भरने का देखेंगे। फिर महिपाल सर, थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, अभी आपने जो ऑटोमोबाइल की बात करी उसमें जो ट्रैक्टर्स या ट्रैक्टर्स का और यही सब होता है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं दे, डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं लेते, वो डायरेक्ट कंपनी, डायरेक्ट OEM ही है। Q1 का ये नॉर्म्स ही है, ये कैटेगरी वाइज नॉर्म्स है, ये जो नॉर्म्स है ये कैटेगरी का नॉर्म्स है। आ गया वो खुलवा, ये कैटेगरी रिक्शा में भी ऐसे रहता है क्या? नहीं नहीं, रिक्शा में ई रिक्स का Q3 का कैटेगरी है, वो कोई भी रीसेलर भी दे सकता है। बाइक बाइक और कार, बाइक और कार Q1 कैटेगरी में, तो उसके नॉर्म सर मैं इसके बाद बताता हूँ, क्यों कैटेगरी का ही नॉर्म बताता हूँ। ओके शर्मा सर, हेलो। हाँ सर, जैसे आप बिड दिखा रहे थे टेंडर, तो कि अपने एरिया का कैसे देख रहे थे? अपने एरिया का टेंडर देख सकते हो, जैसे अपने स्टेट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का बिड, लिस्ट ऑफ बिड यहाँ पे आपको एडवांस सर्च बोल के मिलता है, यहाँ पे एडवांस सर्च में जाओगे यहाँ पे लोकेशन वाइज जाता है, लोकेशन डाल दो आपके एरिया का मिल जाएगा, स्टेट बोल के, मुझे गोवा का देखना है तो गोवा में जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिख जाएगा, मुझे कर्नाटका का देखना है, जम्मू कश्मीर का देखना सर। हाँ देख लो आप, अभी हम लोग सिर्फ बता रहे हैं आपको तरीका। शिव प्रसाद सर, ये जो आपने फिल्टर, हाँ बोलिए सर, जो आपने फिल्टर में सेलेक्ट किया है बिड आरए स्टेटस, ये आरए क्या है? रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं, आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन, ये बीड के बाद एक क्या बोलते हैं ऑक्शन बोली लगता है यहाँ पे ऑनलाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स में। तो वो नेक्स्ट स्टेप में BOQ क्या था? BOQ का तरीका है ये बीड, प्रोडक्ट बीड होता है, सर्विस का होता है, बीड टू आरए, कस्टम बीड होता है और BOQ बीड होता है, ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के बीड्स होते हैं। बिड में किसने कितनी वैल्यू डाली है ये तो ना पता चलता। हाँ वहाँ पता चलता है ना, बिड आर स्टेटस में, वही तो अभी दिखाया ना व्यू बिड रिजल्ट से। अब ये कोई भी टेंडर ऑफिस टेबल का टेंडर है, इसमें किसने क्या रेट में टेंडर कोट किया है, यहाँ पे टेक्निकल है और ये फाइनेंस है, यहाँ पे L1 का रेट किसने क्या रेट में कोट किया है पता चलता है। ऑनगोइंग का पता चल जाता है सर, ऑनगोइंग का पता चला तो फिर टेंडर क्यों निकालना, तो उसमें पता चलता है रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन में पता चलता है। ओके सर, ये L1, L2 और L3 में डिफरेंस क्या है? और ये L1 मतलब जो सबसे कम रेट बोला, इसको लोएस्ट वन बोलते हैं, सबसे कम रेट में जो है वो L1, उसके बाद जो है वो L2, उसके बाद जो रेट ज्यादा डाला है उसको L3, लोएस्ट वन, लोएस्ट टू, लोएस्ट थ्री ऐसा बोलते हैं। शिव प्रसाद सर, सर ये जो रेट्स दिख रहे हैं L1, L2, L3 के, हम ये कह सकते हैं क्या कि तीन ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? हो सकता है कोई ऐसा बिडर हो जो टेक्निकल में क्वालिफाई ना कर पाए हो, तो ना कर पाए तो उसका रेट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई होंगे वही लोग फाइनेंस में दिखेगा। ठीक है चलो, तो फिर हम लोगों ने परचेज करने का तरीका देखा, क्या क्या देखा? डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज और टेंडर, ये तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग टेंडर को मतलब बायर खरीद सकता है। और मुझे ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो मुझे भी ऑर्डर ये तीन तरीके से मिल सकता है। चलो अभी थोड़ा कैटलॉग के बारे में समझते हैं, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग पता है आप लोगों को? कैटलॉग, कैटलॉग देखा है आप लोगों ने? किसी ने कोई भी कैटलॉग नहीं देखा? अमेजन पे देख लो कैटलॉग, जैसे मैंने अभी शायद पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव खरीदा था, पेन
राइट, ठीक गया। अब यहाँ पे देखो पेन ड्राइव, अब मुझे अलग अलग पेन ड्राइव दिख रहे हैं बराबर। अब मुझे इसका देखना है डिटेल्स, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहा है यही इसका कैटलॉग है। इसमें क्या क्या दिखा रहा है, कौन से कंपनी का है, क्या डिटेल्स है ना, इसकी रेटिंग कितनी है, कितना इसका एमआरपी है, कितने रेट में बेच रहा है, और ये कितने जीबी का है। ये 32 जीबी का है, यूएसबी 2.0 में है, इसका राइटिंग स्पीड कितना है, और इसका पूरा डिटेल्स आ रहा है, इसके फोटोज वगैरह आ रहे हैं। तो ये इसका क्या है, कैटलॉग है। सेम जेम पे भी ऐसा ही कैटलॉग होता है। हेलो, हाँ बोलिए, ऑडियो आवाज आ रही, आ रही, क्या हो गया इसको, आकाश सर बोलिए तब तक। मेरे पास शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बीच बीच में पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। कैटलॉग से पहले आपने कुछ बोला था, कैटलॉग के बारे में बताने से पहले भी कुछ बताया था। अच्छा, वो पूरी पूरी आवाज आपको आई ही नहीं क्या? ओके सर, वो आवाज कट गई। नहीं, कैटलॉग आपने जब बताया पेन ड्राइव का कैटलॉग होता है कितने का है क्या है, वो समझ में आया ना, पेन ड्राइव का कैटलॉग खोल के बताया ये। हाँ, वो तो आया था। ठीक है, तो सेम चीज पहले से कटी थी, पहले से कटी, सेम चीज हम लोग जेम पे देख रहे हैं। जेम पे मुझे कैटलॉग निकालना है पेन ड्राइव का, मतलब मैं समझाया कि कैटलॉग होता क्या है ये समझाया, अभी समझा रहा हूँ जेम पे कैटलॉग कैसे होता है। सेम जेम पे भी मैं पेन ड्राइव डाल देता हूँ, देखो शायद फिर से गया मेरा पेन ड्राइव। ओके, अभी जेम पे यहाँ पे आ गया पेन ड्राइव का कैटलॉग अलग अलग। अभी यहाँ पे इस सैंडिस्क का ही देखना चाहते हो तो सैंडिस्क का खोल लो ये वाला, तो यहाँ पर भी आप खोलेंगे तो ये कैटलॉग दिखता है ना, ये भी जेम पे ऐसा ही कैटलॉग है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी इसका ऑर्डर आपको कब मिलेगा, यदि आपको ये सैंडिस्क आप बेचते हो पेन ड्राइव, तो आपको आपका ऑर्डर कब मिलेगा, जब ये प्रोडक्ट आपके प्रोफाइल में लिस्टिंग होगा तब मिलेगा। यदि आप इसको प्रोडक्ट को बेचोगे, अभी मैं अमेज़न से किसी को ये ऑर्डर दे रहा हूं, तो किसी को तो ऑर्डर जा रहा है, कोई पार्टी को ऑर्डर उसको कब जा रहा है, उसका प्रोडक्ट यहां लिस्ट है इसलिए मुझे जा रहा है ना। यह ऑर्डर किसको जा रहा है, सोल्ड बाय ये एफआईआरओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को जा रहा है, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट यहां लिस्टिंग करके रखा है इसलिए तो उसको ऑर्डर जा रहा है। और भी लोग यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 14th लोग अलग अलग, और भी 14 लोग बेच रहे हैं, पर उनको ऑर्डर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका रेट ज्यादा है। यही वाला प्रोडक्ट आपको 369 में भी मिल रहा है अलग आदमी से, कौन है ये, SNG क्राफ्ट्स, यही वाला प्रोडक्ट 369 में बेच रहा है। आपने इसको कभी एड टू कार्ट किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है। तो जेम ऑटोमेटिकली ऐसा जेम का भी है, जो सबसे कम रेट में बेचेगा उसका ही रेट यहाँ पे सजेस्ट करता है, जो ज्यादा रेट में बेच रहा है उनका रेट सजेस्ट नहीं करता, और बायर उससे खरीद भी नहीं सकता। यहां तो आप खरीद सकते हो, वहां तो आप खरीद भी नहीं सकते, जैसे यहाँ पे। और तो बोलेंगे सर जेम पे और कौन कौन लोग कितने रेट में बेच रहे हैं, यहाँ पर भी है, व्यू सेलर डिटेल्स में जाओ तो देखो अलग अलग लोग अलग अलग रेट में यहां पे दे रहे हैं। ऑर्डर किसको मिलेगा, जो सबसे कम रेट में देगा उसको।
लाइक अमेजन, सेम यहां पर भी जैसे और भी 14 लोग भेज रहे और ये कैटलॉग है। तो आपको इसका ऑर्डर आपको कब मिलेगा, जब ये वाला प्रोडक्ट आप अपने प्रोफाइल में लिस्टिंग करोगे तब। तो प्रोफाइल में लिस्टिंग कैसे करोगे, प्रोफाइल में लिस्टिंग करने के तीन तरीके हैं, पेयर करना, क्लोन करना और नया प्रोडक्ट डालना। पेयर मतलब, पेयर हम तब कर सकते हैं यदि मुझे सेम प्रोडक्ट बेचना है, यही वाला प्रोडक्ट, इसी ब्रांड का प्रोडक्ट मुझे बेचना है, हम इसको पेयर कर लेंगे। क्लोन मतलब, क्लोन मतलब होता है हम यही वाला प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मतलब सिर्फ मैं इसके स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना चाहता हूं। मेरा भी प्रोडक्ट 16 GB का है, USB 2.0 का है, 1 ईयर का वारंटी है ना, रीड स्पीड जो है 5 का है, राइट स्पीड 5 का है, विंडोज के लिए ऑपरेटिंग है, सेम स्पेसिफिकेशन सेम है, पर मेरा प्रोडक्ट दूसरा है। शायद मेरा प्रोडक्ट सैंडिक्स का ना हो, दूसरा कोई ब्रांड का हो, HP का हो, नाम अलग हो, उसका प्राइस अलग हो, पिक्चर अलग हो, पर स्पेसिफिकेशन सेम हो, तो हम इसको क्लोन बोलेंगे। मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है, नाम भी अलग है, स्पेसिफिकेशन भी अलग है, 16 GB की जगह मेरा 16 GB का ही प्रोडक्ट है, पर USB 2.0 का जगह 3.0 का प्रोडक्ट है, तो मेरा स्पेसिफिकेशन अलग हो गया, तो हम नया प्रोडक्ट डालेंगे। पेयर करेंगे कब, मैं तीनों में फिर से डिफरेंस बताता हूं। पेयर मतलब सेम प्रोडक्ट बेचने को पेयर बोलेंगे, क्लोन मतलब सिर्फ स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना, सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट यदि आप बेचोगे तो क्लोन करोगे, और आपको इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चढ़ाना है तो उसको नया बोलेंगे। या तो आप तीन तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप लिस्टिंग जेम पे कर सकते हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे जेम पे लिस्टिंग करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है और ये Q1 Q2 क्या होता है। ललित सर, सर हो गया मेरा, वो पहले किया था मैंने। आकाश सर, आकाश सिंह सर, वो सुनाई नहीं दे रहा था, उसके लिए क्या था। अच्छा, अभिषेक सर, पारस सर, हेलो, हाँ बोलिए आकाश सर। सर जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं 179 सबसे लो रेट डालूंगा तो बायर सारे को मेरे वाला शो, सब आपका वाला शो होगा। आपका लोकेशन अपडेट होना चाहिए, जहां का बायर है वहां का लोकेशन में आप बेचना चाहिए। तो हाँ, जैसे मैं सिर्फ जम्मू में बेचना चाहूंगा, जम्मू तो जम्मू के कोई भी बायर को आपका ही प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, आपका ही रेट डिस्प्ले होगा। ठीक है। पारस सर, सर ये कंपेयर वाले केस में फॉर एग्जांपल सैंडिस्क के, तो ब्रांड दो ही हो तो उस केस में क्या करेंगे फिर, नया एक ब्रांड चढ़ा देने का अलग आईडी से, क्लोन करके अलग आईडी से एक नया ब्रांड में प्रोडक्ट अपडेट कर देने का, वो आ गया तो L1 करके लेके जाने का ऑर्डर। इसीलिए तो 3 ID की जरूरत पड़ती है तभी। शिव प्रसाद सर, सर ये जो लिस्टिंग के लिए बोल रहे हैं ये सर्विसेज में भी लागू होगा? नहीं, सर्विसेज में पेयर क्लोन नहीं होता, हमेशा नया ही होता है। ओके, सर्विसेज में पेयर और क्लोन नहीं होता, नया ही डालते हैं हमेशा। सर मेरी क्वेरी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने ये रेट बताया 179, तो जैम की तरफ से ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, जैसे मान लीजिए इसका अगर MRP है या पंचास इसका जो रेट ये 170 है, जो ये 9 rupees के मार्जिन में अगर ये बेच रहा है, तो ऐसा कोई मिनिमम नहीं है कि मिनिमम इतना लेस करके ही बेच सकते हैं? देखो सर, इसमें दो रूल, जेम में दो रूल चलता है, हर एक कैटेगरी का एक रेट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम जी, और जो MRP है इसका मिनिमम 10% डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। ओके, एक ये रूल है, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो उसका 10% डिस्काउंट कम से कम है, कोई भी प्रोडक्ट। ये 535 का है फिर भी इसका 10% डिस्काउंट होगा ही होगा, 270 रुपये का ये प्रोडक्ट है, 243 है, मतलब सर, हम OEM प्रोडक्ट, हम OEM प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। देखिए सर, सर रुको थोड़ा, मैं आपको आगे बताता हूँ और भी डिटेल्स में, थोड़ा सा रुक जाओ खाली। हाँ बोलिए, अब किसका चल रहा था प्रोडक्ट बात? सिंह सर बोलिए। हाँ जी सर, लेकिन क्या नाम है, अगर सभी
एमआरपी पे 10% लेस करके इसे दे देते हैं। मान लीजिए 14 लोग हैं या 10 लोग हैं, 10 के 10 ही 10% लेस करके अमाउंट दे देते हैं, तो वो तो अमाउंट तब तक सबका सेम हो जाएगा। सर ऐसा आपने कभी देखा है क्या? कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, सबका रेट सेम है क्या? देखो तो कोई भी बोलो कौन सा प्रोडक्ट, किसी का रेट मैच नहीं करता। अब ये वाला प्रोडक्ट देखिए, 1000 रुपये में है एमआरपी, 100 रुपये में कोई बेच रहा है, सेलर डिटेल जाओ, किसका रेट मैच हो रहा है बताओ? ये 423.99 है, ये 531 रुपये में, ये 650 में है, ये देखो दोनों रेट मैच कर रहा है, पर देखो लोकेशन अलग अलग। किसी का भी रेट, अरे मुझे लग रहा है मुझे ऑर्डर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट प्राइस कितना है 423.99, तो मैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस, मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इससे एक पैसा घटा दूंगा ना मैं। तो बायर तो जो भी बेस्ट तो प्राइस रहता है वो ऊपर में आता है क्या? हर वेंडर कर सकता है ऐसे तो सर? हाँ हर वेंडर, वो इसीलिए तो रेट घटता जा रहा है ना। ओके, तो फिर मार्जिन और कम होता जाएगा सबका, मार्जिन होता जाएगा। यस सर, जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा, सर विशाल सर बीच में नहीं बोलेंगे, आपको पूछना है हैंड रेज करो। तो इस कंडीशन में सर फिर वो जो रेट है, मान लीजिए अगर 100 रुपीज की कोई रेट है किसी प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर जाओ ही मत, इसीलिए तो हम प्रोडक्ट पेयर करके छोड़ देते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को देखते भी नहीं है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, किसी ने मुझे पूछा सर आपका ये प्रोडक्ट का लिंक दोगे क्या मुझे, किसी ने तो मुझे पहले ही बोला था जो आपका एलोन पूछा था। तो मैं बोला ये लिंक आपके लिए काम का नहीं है। फिर से हमें यदि मेहनत है तो मुझे यही वाला प्रोडक्ट सेम ऑर्डर आ गया तो मुझे वो लिंक नहीं चलेगा, मुझे नया प्रोडक्ट अपडेट करना पड़ता है। ओके, तो हमेशा ये चीजें बदल जाती है, तो आप इसके ऊपर इतना कॉम्प्लिकेशन मत हो जाओ। काम करना कैसे उसको इजी वे से वो सोचना है, कौन क्या रेट घटा रहा है और बढ़ा रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं। मुझे आपका टारगेट क्या है, आपको आपके रेट में ऑर्डर मिलना चाहिए बस ना। जी। कौन ये प्रोडक्ट 1 रुपये में बेच रहा है, क्या करना है मुझे? ये कॉपियर पेपर को 1 रुपये में बेच रहा है, क्या करोगे आप उससे? यदि ये वाला ऑर्डर आपको 400 रुपये में चाहिए, आपको 400 रुपये में मिल गया तो बस ना आपको। जी। कोई 1 रुपये में बेचे या 2 रुपये में बेचे, मुझे क्या करना, हमें फोकस कहाँ करना है? मेरा ऑर्डर मुझे मिलने के लिए क्या करना है, ना कि कौन क्या रेट में बेच रहा है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है। बसंत सर, बसंत मंडल। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ प्रोडक्ट है जो ओईएम बिना मतलब वो बेचा नहीं जा सकता, जैसे मुझे एचपी प्रिंटर बेचना तो हाँ। क्या मैं ओईएम नहीं हूँ, मैं रीसेलर मतलब ऑथराइज्ड सेलर भी नहीं हूँ? नहीं ना सर, उसमें जिसमें जो रूल है वो रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, अभी वो रूल के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, पर उसका एक तरीका है बिड, फिर टेंडर निकालो और टेंडर से बिना ऑथराइजेशन का बिना कुछ का आप टेंडर से ऑर्डर लेके जा सकते हो। वो समझा नहीं सर, वो डायरेक्ट परचेज नहीं होगा पर टेंडर के थ्रू से ले सकते हो। तो मैं इसमें जेम में उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता? जेम पे ही, जेम पे टेंडर, टेंडर के थ्रू से अल्टरनेट, मैं उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सिंपल सा, काफी सारा सामान है जो मैं बताऊंगा सर आगे, रुको थोड़ा सर, आगे आगे आपको समझेगा। सिंपल सा, किसका था सर ये प्रोडक्ट की जो एमआरपी दिखती है ये कौन तय करता है सर? मेरे क्लास में तो मैं आपको, आप तय कर लोगे ये वाला प्रोडक्ट का एमआरपी, मुझे यदि आप बोलोगे 2000 डाल दो तो मैं 2000 डाल के प्रोडक्ट लिस्टिंग करना आपको सिखा दूंगा। तो आपने बोला भी कि मिनिमम और मैक्सिमम का एक लिमिट तय होती है हर कैटेगरी में? हाँ, वो कैटेगरी का है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, एमआरपी तो हम डाल सकते हैं ना। ओके, बेचना है मुझे जिस रेट में, मान लो इस कैटेगरी में मैक्सिमम प्राइस है 500 रुपये तो मैं 500 तक बेच सकता हूँ, और मिनिमम है 200 रुपये तो 200 रुपये से नीचे नहीं बेच सकते। वो कैसे पता चलता है सर कहां इसके क्या? जब हम पेयर करते हैं तो मुझे वहां पे लिस्ट आता है, मैं आपको जब पेयर करूंगा तो दिखाऊंगा। ओके ओके। महिपाल सर, हेलो। हाँ बोलिए सर। अभी हमारे डेढ़ पौने 2 घंटे के सेशन में 3 आईडी वाली बात 2-3 बार मेंशन हुई।
तो अगर हम एक दो महीने में बिजनेस शुरू करने का सोच रहे तो 3 IDs रखना सही रहेगा एकदम अपनी सहूलियत के लिए। सर 3 ID यदि आपको काम करना है जिम पे तो 3 ID तो करना ही पड़ेगा, मतलब एक आईडी से नहीं चलना है, 3 तो एक आईडी से नहीं चलना है यदि काम आपको ज्यादा रेट में उठाना है तो। ओके सर समझ गया, थैंक यू। अभिषेक सर, अभिषेक शर्मा, हेलो। हाँ जी सर, जैसे कि मैं बायर और सेलर एक स्टेट से है और दूसरा बायर दूसरी स्टेट से है, तो क्या वो दूसरा बायर सेलर से ले सकता है? हाँ ले सकता है। आप सेलर अपना लोकेशन, मान लो एक दिल्ली में बेच बायर है और एक एमपी में, तो दिल्ली आप अपना जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली के लिए और एमपी दोनों। अगर 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 सेलर ही दूसरी स्टेट में नहीं देना चाहता तो? फिर तो नहीं ना, सेलर देना चाहता है तो ही बायर खरीद सकता है ना। सारण सर, सर जैसे अगर हमें अपना प्रोडक्ट L1 लेके आना है तो हम मार्केट में सर्च कर सकते हैं कि सबसे कम अमाउंट में किसका प्रोडक्ट, और उसके मुताबिक हम अपना अमाउंट डाल दें? नहीं सर ऐसा नहीं चलता ना, उसके लिए तरीका बिल्कुल अलग है L1 का, वो L1 में ही आपको समझेगा। अभी उस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होते जाओ, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी है L1, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मतलब बहुत इजी है मतलब थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस इतना ही है। प्रैक्टिस करोगे L1 बनाना बहुत इजी है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। बाकी की चीजें थोड़ा कम प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा। L1 में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा, उतना फास्ट काम होगा, इतना ही। मैं यदि कोई प्रोडक्ट को L1 5 मिनट में करूंगा तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम करोगे तो 2 घंटा लगे, नेक्स्ट टाइम में वही 1.5 घंटा लगेगा। धीरे धीरे जितना ज्यादा आप काम करते रहोगे उतना आपका स्पीड बढ़ता रहेगा और टाइम कम लगेगा, बस इतना ही। पारस सर, सर बायर ने बोला कि वो बायर का आईडी हमको दे देता है, हाँ, और बोला है कि ये बीड तुम ही बना दो, तो हाँ, वो आप सिखाओगे कैसे होगा? हाँ सर सब सिखाऊंगा मैं, बोला ना आपका ऑर्डर आपको मिलने के लिए क्या क्या करना है वो सब बताऊंगा। ओके ओके सर। अमित सर, सर मेरा एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि बोलिए। आपकी वॉइस ब्रेक आ रही है सर, वॉइस ब्रेक इधर हूं मैं। हाँ अब आ रही है बस। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी बोलो सर, जमीनी स्तर से हूँ, कुछ लोग जमीनी स्तर से होंगे तो प्लीज जैम क्यों स्टार्ट करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, स्टार्टिंग से सर थोड़ा बता तो और ज्यादा बेटर, बस एडवांस क्लास होती है ये सर जी थोड़ा। सर अभी बोला आज सबको हम लोग साथ ले रहे हैं, खाली इतना ही है। कल के क्लास में आपको ये चीजें दिक्कत नहीं आएगा, कल दूसरे टॉपिक से क्वेरी ही नहीं लूंगा, टॉपिक्स वाइज ही क्वेरी लूंगा, तो आपको जो आज ये दिक्कत जो फील हो रही है ना वो कल से नहीं होगी। तो आज के लिए आपको दिक्कत आएगा जो लोग बिल्कुल थोड़े नए हैं, कल से आप समझ लो कि दूसरे जगह कोई बायर से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कोई सेलर से, कोई L1 से, कोई टेंडर से, तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आज जिसको मर्जी जहां से पूछना है वहां से क्वेरी पूछ लो। कल से जहां तक पढ़ाऊंगा वहीं तक टॉपिक्स लूंगा, दूसरे क्वेरी लूंगा ही नहीं। समझ में आया ना सर आपको? ठीक सर, कल से आपको दिक्कत ये खत्म। जी, आज यदि ये नहीं लिया ना इन लोगों का तो कल से जो लोग नए हैं उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगा, वो लोग बार बार पूछते रहेंगे तो मैं 2 बार बताऊंगा, 4 बार पूछेंगे तो 1 बार बता दूंगा, क्या हो गया। आज यदि इन लोगों को आंसर मिल गया तो कल से हमें डिस्टर्ब ऐसे ही कम कर देंगे, वो लोग नहीं पूछेंगे फिर, इसलिए आज इनको जाने दो, आज का लेक्चर थोड़ा इनको समझने दो, जिन लोगों को थोड़ा पता है उनके जो दिमाग में पूरा चीजें भरा है ये जेम में ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिक्कत क्या क्या आ रही है, वो उनको सॉर्ट आउट होने दो। सर मेरी क्वेरी थी, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए अमित सर। बसंत सर, बसंत मंडल, वसंत मंडल, जैन सर,
सर मेरे को ये पूछना है, अभी आपने जो तीन आईडी वाली बात कही वो कौन सी आईडी बात कर रहे थे आप? सेलर आईडी। अच्छा सेलर आईडी आपके पास तीन होनी चाहिए। तीन ऐसा होनी चाहिए ऐसा नहीं है, हुआ तो अच्छा है। नहीं तो एक कंपनी है तो उसमें तीन आईडी बन सकती है क्या? हाँ हाँ बताऊंगा ना। यूजर की बात कर रहे हो क्या सर? यस यस मैं सब बताऊंगा यूजर कैसे बनेगा। यूजर नहीं आईडी बनाना है। अच्छा आईडी तीन बनाना है एक ही कंपनी में तीन आईडी। यस यस ओके सर ओके। विशाल सर। सर अब हम OEM है और कोई और हमारा प्रोडक्ट डाल रहे तो हम उस पे उसको स्यू कर सकते हैं? सर वो आपकी मर्जी। OEM का तो यही बेनिफिट है कि आपका प्रोडक्ट आपके परमिशन के बगैर कोई बेच नहीं सकता। और सर हम किसी और OEM जो है आप भी नहीं बेच पाओगे उनके परमिशन के। ऑथराइजेशन ले सकते हैं? ऑथराइजेशन ले सकते हो? हाँ ऑथराइजेशन लेके बेच सकते हो, विदाउट ऑथराइजेशन नहीं बेच सकते। उसका प्रोसेस बताओगे? उसका प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, आप ऑथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर जैसे लेते हो ऐसा। ओके अभी मुझे आपका आप OEM हो तो मुझे आपका प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और बोलूंगा मैंने सर आपका प्रोडक्ट डाला है प्लीज आप मुझे जेम से ऑथराइज कर दो। ओके ऑथराइज कर दिया तो आप मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जेम पे ऑथराइज कैसे करता है OEM वो मैं जरूर बताऊंगा। ओके सर। पंकज सर। सर तीन आईडी बनाना जरूरी क्यों है? मैंडेटरी नहीं है सर, ज्यादा मत कंफ्यूजन हो जाओ। क्लास जैसे समझेगा वैसे से आपको पता चलेगा कि मुझे तीन आईडी बनाना है या नहीं बनाना, और बनाना है तो कब बनाना है। okay. ये क्या हो रहा है, जिनको थोड़ा पता है उन लोग बोल रहे हैं कि तीन आईडी चाहिए चाहिए, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तीन आईडी चाहिए। मैंने अभी तक तीन आईडी नहीं बनाया फिर भी मैं हर काम कर लेता हूँ। कब चाहिए क्यों चाहिए वो आपको मैं बताता रहूंगा, तब आपको लगा कि हाँ अभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो बना लो। और बनाने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा। ये 5000 भी भरना नहीं पड़ेगा आपको, फ्री में बनेगा, उसका भी टेंशन मत लो। वो कल के क्लास में रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा। महिपाल सर। महिपाल सर का मेरा काफी दिक्कत हो रहा है आज, इसमें तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ टॉपिक छूट जा रहा है, टॉपिक छूट जा रहा है। ठीक है मैं ये क्वेरी लेके खत्म करता हूँ आज का, क्योंकि बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। आगे का थोड़ा सा। हाँ बोलिए सर। जैसे लोकल परचेज में या L1 में अगर हम बिलिंग देते हैं तो आपने मेरे साथ से यूट्यूब पे भी उस पे बताया था कि GST रिक्वायर वो नेसेसिटी नहीं है। हाँ। तो लो लेकिन जो हम बिलिंग देंगे उनको उसपे विदाउट GST देंगे वो फिर बिल उनको। यदि आपके पास GST नहीं है तो विदाउट GST दोगे, यदि GST है तो विद GST दोगे। ओके तो वो कहेंगे हमें तो विद GST चाहिए तो फिर GST वो तो उसको गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि नहीं कुछ। अच्छा GST डिपार्टमेंट को बोलने का, बोलो मेरा टर्नओवर यदि 40 लाख से नीचे है तो गवर्नमेंट ने मुझे बताया है ना विदाउट GST में बिल दे सकता हूँ ना, और जेम मुझे खुद अलाउ करता है तो जेम अलाउ कर रहा है मतलब ये सही है ना, तो आप GST वाला बिल क्यों मांग रहे हो? सर क्या अलाउ कर रहा है जेम? जेम अलाउ करता है विदाउट GST यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो। ओके ओके सर, पर मेरा कंसर्न है यदि आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो तो विदाउट GST यदि आप बिल दे रहे हो तो नुकसान आपको है, ये मैं आपको बता सकता हूँ इतना ही। महिपाल सर बोलिए। अरे यार ये नेटवर्क का क्या है, आवाज आ रही है मेरी? नहीं ना।